अस्सलाम वालेकुम। थोड़ी देर में क्लास स्टार्ट करते हैं, जब तक बाकी स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लें। बाकी आप लोगों के कुछ सवाल हैं तो आप लोग वो पूछ सकते हैं अभी। सीएसएस का कंटेंट पूरा नहीं है। सीएसएस के दो चैप्टर्स आपके पोर्टल पे हैं, और बाकी जो आगे के चैप्टर हैं उसका हम आज की क्लास में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। डोकरी मैच का क्या सवाल पूछना है? वालेकुम सलाम। सर आवाज थोड़ी स्लो आ रही है, थोड़ा सा तेज कर सर। सर अब आ रही है? जी बिल्कुल। सर वो मैंने आपसे ये पूछना था कि जब आपने लास्ट में असाइनमेंट्स का आपने मेंशन किया था, मैंने सर काफ़ी स्टूडेंट्स बात करने पूछ रहे थे कौन सी असाइनमेंट्स कब सबमिट करवानी है, क्योंकि वहाँ पर मैक्सिमम टेक्निकल चैप्टर का वहाँ पर असाइनमेंट चल रहा है। सर वो चैप्टर वाइज हम सबमिट करवाएंगे उसी ग्रुप के लिए। अच्छा, तो असाइनमेंट का आज हम डिस्कस करेंगे। मैं क्लास के स्टार्ट में भी बता देता हूँ, क्लास के एंड में भी यही चीज़ रिपीट कर दूंगा, क्योंकि अभी काफ़ी स्टूडेंट्स ज्वाइन हो रहे हैं। हमारे पास आपको HTML और CSS के सारे असाइनमेंट कंबाइन करके एक ही गिटहब पे अटैच कर दिए और वो आपको बता दिए। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो, हेलो, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, वो मैंने डॉकर के हवाले से पूछना था कि क्या हम एक प्रोजेक्ट के अंदर सिर्फ एक ही डॉकर इमेज बना सकते हैं या मल्टीपल बना सकते हैं डिफरेंट फोल्डर्स के अंदर? सर लगता है किसी काम से गए हैं। अच्छा, अभी वो दोबारा आएंगे तो उनसे पूछ लेते हैं। तो और किसी को कोई आइडिया हो? नो आइडिया नहीं यार। चलें कोई बात। अच्छा, तो सवाल अगेन रिपीट कर लेते हैं। सर दानियल हमें बहुत जल्द ज्वाइन करेंगे, जब तक हम अपने सवाल की बातें कर लेते हैं। बाकी बहुत देर से स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं, टोटल 56 स्टूडेंट्स आए हैं अभी तक। ठीक है अमीन साहब, मेरा एक सवाल था डॉकर के हवाले से। जी अच्छा, कि हम आप एक प्रोजेक्ट के अंदर सिर्फ हम एक ही डॉकर इमेज बना सकते हैं या हम डिफरेंट फोल्डर्स के अंदर जाकर, जैसे हमने उसको पास दिया था उसकी डॉकर इमेज का, डिफरेंट फोल्डर के अंदर हम डिफरेंट इमेजेस बना सकते हैं? पहले ये बता, डॉकर का कॉन्सेप्ट क्या है? डॉकर हमारी एप्लीकेशन को कंटेनराइज करता है ताकि हम उसको कुबरनेटीज के थ्रू क्लाउड पे, अमेज़न पे डिप्लॉय कर सकें। आवाज कट रही है। चलो, आपकी आवाज कट रही है। तो डिस्कशन हो रही है। जी, तो डॉकर का मैंने सवाल ये था कि डॉकर हम क्यों यूज़ करते हैं। पहले एक कॉन्सेप्ट बताओ कि डॉकर का यूज़ करने का क्या पर्पस है। पर डॉकर का पर्पस ये है कि हमारी जो वेब एप्लीकेशंस हैं उनको कंटेनराइज करने के लिए, ताकि हम उसको कुबरनेटीज के थ्रू क्लाउड पर डिप्लॉय कर सकें। उसके लिए हमें डॉकर में हम अपनी एप्लीकेशन की इमेज बनाते हैं और उस इमेज ठीक का है फिर हम कंटेनराइज करते हैं। ठीक है, बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट है। अब अपना जो तुम्हारा सवाल था कि हम मल्टीपल इमेजेस बना सकते हैं,
तो वहाँ पर हमारे कॉन्सेप्ट आया था कि हम अपनी जो भी आप अपने एप्लीकेशन को कंटेनराइज कर रहे हैं, अगर वो आप मोनोलिथिक कर रहे हैं तो आप एक ही कंटेनर बनाएंगे, अगर आप माइक्रो सर्विसेज में कर रहे हैं तो जितने उसके पार्ट हैं आप उसने उसके कंटेनर बनाएंगे। फॉर एग्जांपल सर मेरा एक सवाल है, जी सर मेरा ये सवाल है कि मैं डॉकर और कुबरनेटीज के बारे में थोड़ा सा परेशान रहता हूँ कि इसको मैं यूज़ कैसे करूँगा। अपनी कंटेनराइज तो मैं कर लेता हूँ लेकिन कुबरनेटीज मुझे इतना खास समझ नहीं आ रहा, तो मैंने इतना उस पर फोकस नहीं किया, तो क्या मैं इसको फ्यूचर में कैसे अपनी एप्लीकेशन यूज करूँ? कुबरनेटीज ऐसे यूज करोगे जब आप अपने एप्लीकेशन को कंटेनराइज कर दोगे तो आपको उसको कहीं ना कहीं होस्ट करनी है, मतलब डिप्लॉय करनी है ताकि वो एक्सेसिबल हो जाए पब्लिक तक या यूजर तक। ठीक है, ठीक है, तो ये AWS का कैसे मैं यूज अगर आप करूँ? AWS पे जाते हो या अपने सर्वर लगाते हो या गूगल पे जाते हो तो वहाँ पर मल्टीपल फीचर्स हैं, उनके कंपोनेंट्स हैं, सही उनकी सर्विसेज हैं, तो वहाँ पर आपके पास ऑप्शन है कि आप कुबरनेटिस की सर्विस यूज़ कर सकते हो ताकि आपका कंटेनर एक लाइव एनवायरनमेंट में डिप्लॉय हो जाए। तो क्या सर हम मेरा एक रस्क क्वेश्चन करेंगे? है, हेलो कैन यू हियर मी? हेलो जी, सर, तो मेरा एक क्वेश्चन था कि मर्न स्टैक और फुल स्टैक में क्या डिफरेंस होता है? बोथ आर सेम और इज देयर एनी डिफरेंस? देखो फुल स्टैक की टर्म है ना वो हर जगह यूज हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे एक फुल स्टैक की टर्म मैं डेवऑप्स में भी यूज कर सकता हूँ कि भाई मेरे डेवऑप्स में एडमिनिस्ट्रेशन भी आती है, आर्किटेक्ट भी आता है, तो मैं डेवऑप्स का फुल स्टैक हूँ। लेकिन मर्न स्टैक ना एक स्पेसिफिक एरिया आप बता रहे हो कि भाई मैं मोंगोडीबी यूज कर रहा हूँ, मोंगोडीबी के साथ मैं नोड जेएस एक्सप्रेस यूज कर रहा हूँ और एक रिएक्ट का फ्रंट एंड यूज कर रहा हूँ, तो एक स्टैक हो गया। ये फुल स्टैक ही हो गया आपका, क्योंकि आप मर्न स्टैक पे काम कर रहे हो तो मर्न फुल स्टैक से मुराद है कि दोनों स्टैक पे आप काम कर रहे हो उसके अंदर जितने भी स्टैक्स हैं। स्टैक से मुराद क्या होती है, फ्रंट एंड का एक स्टैक है, डेटाबेस का एक स्टैक है और बैक एंड का एक स्टैक है, वो सारे स्टैक अगर आपके एंड पे हैं तो आप फुल स्टैक हो। अब आप किस एरिया में फुल स्टैक हो, जस्ट लाइक आपने बताया मैं मर्न पे हूँ, कोई कहेगा कि मैं मीन स्टैक पे हूँ, कोई कहेगा मैं दूसरे स्टैक पे हूँ, जावा के स्टैक पे फुल हूँ, तो वो डिपेंड करता है किस कंडीशन में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मर्न सिंपली स्टैक सब को फुल स्टैक भी बोल सकते हैं, राइट? फुल स्टैक आप जनरल टर्म है, आप मल्टीपल पर्पस के लिए इसको यूज कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे ट्रेडिशनल सर लैंग्वेजेस है जैसे जावा सी प्लस प्लस, उसमें हम सर यूएमएल का यूज़ करते हुए उसके लिए सर डिज़ाइनिंग करते हैं यूएमएल का यूज़ करते हुए, तो सर मर्न स्टैक में जो मोंगोडीबी डेटाबेस है ना, मतलब ये रिलेशनल डेटाबेस नहीं है ना, तो हम किस टेक्निक यूज़ करते हैं डिज़ाइनिंग के लिए? यमल, देखो यमल का जो पर्पस होता है वो कुछ और होता है। आपके पास कोई ना कोई स्टैंडर्डाइजेशन लैंग्वेज होती है जो आप उसको पर, मतलब एग्जांपल के तौर पर डेटा सीरियलाइजेशन होती है। डेटा सीरियलाइजेशन क्या होती है कि आप अपना डेटा किसी सीरियलाइज फॉर्म में कर दो ताकि आप उसको कहीं से रीड करवा सको या कहीं पर सेंड कर सको, तो उसमें यमल यूज़ होती है, उसमें जैसन यूज़ होती है और उसमें मल्टीपल अलग अलग उसके फॉर्मेट है वो यूज़ होते हैं। और जो जी रिलेशनल सर, और नॉन रिलेशनल वाली कहानी है ना वो है डेटाबेस की। तो दो सिनेरियोस में डेटाबेस यूज़ हो रहे हैं, एक टेबल वाला है जो आप रिलेशनल कह रहे हो और एक डॉक्यूमेंट वाला है जो नॉन रिलेशनल है। तो ये डिपेंड करता है किस केस पे कि आपके एप्लीकेशन की नीड क्या है, आप उसको किस एनवायरनमेंट में रन कर रहे हो, कहाँ चला रहे हो, उसको कौन यूज़र एक्सेस करेंगे। सर मेरे को सवाल है सर। सर जी जी सर, हेलो नेक्स्ट वो सर प्रीवियस माइक्रो क्लास के अंदर सर्विस से। आपने क्या पढ़ा? अच्छा एक एक सवाल पूछ लें तो आसानी हो जाएगी। सर मेरा ये कहना था कि माइक्रो सर्विस हम बनाएंगे वो रस्ट लैंग्वेज में बनाएंगे या हम किसी और लैंग्वेज में बनाएंगे? देखो डिपेंड करता है आपकी जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपकी कौन सी रन हो रही है, कौन सी आप एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो। माइक्रो सर्विसेज में अलग अलग पार्ट हैं, आप पाइथन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो उसको माइक्रो सर्विस में ब्रेक कर रहे हो, आप नोड जेएस यूज़ कर रहे हो उसको माइक्रो सर्विस में ब्रेक कर रहे हो, तो ये डिपेंड करता है आपकी एप्लीकेशन का क्या स्ट्रक्चर है, किस तो प्लेटफॉर्म पे करा जा रहा है। हमें नोड जेएस सिखाया जाएगा या माइक्रो पे रस्ट सिखाया जाएगा? नोड जेएस का क्या मैंने कहा, हमें आगे जाकर से थर्ड थर्ड क्वार्टर में नॉट जेएस पढ़ेंगे हम या रस्ट पढ़ेंगे? नॉट जेएस पढ़ेंगे, रस्ट नहीं पढ़ेंगे हम। नॉट जेएस में रहते, नॉट तो जेएस में हमारा जो रहते हो? क्वार्टर होगा नॉट जेएस में रहते हुए नहीं, हम जावास्क्रिप्ट यूज करेंगे, तो जावास्क्रिप्ट के साथ जितनी चीजें हैं हम उसको भी पढ़ेंगे, नॉट जेएस के साथ एक्सप्रेस की लाइब्रेरी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम मेरा इसमें ये माइक्रो सवाल है सर्विस कि बना सकते हैं अपनी, इसमें हमें माइक्रो सर्विस बना सकते हैं? माइक्रो सर्विसेज आप किसी भी एनवायरनमेंट बना सकते हैं अगर वहाँ पर आपके पास नीड है। जस्ट लाइक मैं
पाइथन यूज़ कर रहा हूँ तो मैं पाइथन पे भी माइक्रो सर्विस बना सकता हूँ, क्योंकि अब ठीक ये कॉन्सेप्ट बढ़ता जा रहा है, हो सकता है कि और भी लैंग्वेजेस में ये बढ़ता जाए, तो ये है डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ बना रहे हो। ठीक है। अमीर साहब थैंक यू सो मच। अमीन सर मुझे ये पूछना था कि जो हम लोग सीएनसी का जो पूरा कंप्लीट है, जब चारों क्वार्टर में हम यानी कि फुल स्टैक डेवलपर बनाएंगे या फिर वही चीज़ जो बूट कैंप ऑलरेडी चला रहे हैं वही चीज़ हम देखो, करेंगे। बूट कैंप जो है अलग कॉन्सेप्ट है, बूट कैंप पर्पस है सब चीज़ों के अपने अपने। कोर्स का कॉन्सेप्ट है कि आपको एक स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजीज पर पढ़ा कर मार्केट में आप जाओ और काम करो। बूट कैंप का पर्पस था कि आप क्विकली अर्न कर सको, 4 और 6 महीने 8 महीने जो भी आप पढ़ लो फटाफट आप कमा सको और उनके साथ टीम बन के चलो। तो पर्पस है, अलग अलग पर्पस है कि आप किस वजह से ये कर रहे हो कोर्स, तो दोनों का अलग अलग डिफरेंट है। जरूरी नहीं है कि जो बूट कैंप में टेक्नोलॉजीज पढ़ाई जा रही है वही हेलो हमारी क्लास में भी है, तो दोनों का अलग अलग सर, पर्पस है। प्रीवियस फुल स्टैक क्लास में क्या पढ़ाया था हेलो आपने? सर, प्रीवियस क्लास में इंट्रोडक्शन हुआ था और जावास्क्रिप्ट के हमने 3 चैप्टर पढ़े थे, 2 या 3 चैप्टर पढ़े थे। अमीन साहब डॉकर के जी हवाले से मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा अस्सलाम वालेकुम। कि मैंने अंबर पिंगर साहब की वो वीडियो देखी थी कुबरनिटीज के हवाले से, तो वो बता रहे थे कि आपको चाहिए कि फ्रंट एंड और बैक एंड की अलग अलग से इमेज बनाए, उनके अलग अलग से कोड बना ले। अब फ्रंट एंड के लिए मेरे पास रिएक्ट मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है, source.js में मेरे सारे पड़े हुए हैं कंपोनेंट फ्रंट एंड के। बैक एंड के लिए मैं एक अलग से ठीक फोल्डर है बनाता हूँ सोर्स के बाहर, ठीक है, तो सोर्स के बाहर बना लिया बैकएंड का, तो जो हमारे सोर्स के अंदर फ्रंट एंड का उसकी लैडा इमेज बन जाएगी, ठीक है, और जो बैकएंड का है सर्वर जिसमें कनेक्शन हो रहा है सर्वर का उसमें वो बैकएंड की लैडा सी इमेज। तो ऐसा ये आप, मैं समझ गया, आप ना 3-tier आर्किटेक्चर यूज कर रहे हो। 3-tier आर्किटेक्चर में क्या, आपकी एप्लीकेशन के 3 पार्ट हैं, फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस, तो जाहिर सी बात है आप तीनों की अलग अलग इमेज बना रहे हो और उसको रन कर रहे हो। ठीक है, तो सर डेटाबेस की इमेज बनानी जरूरी होगी तो उसको क्लाउड पे डिप्लॉय करने के लिए? जरूरी नहीं, अगर आपका ऑलरेडी डेटाबेस कहीं रखा हो तो आप उसको लिंक करवा दो, जरूरी नहीं कि आप डेटाबेस की बनाओ। अच्छा सर, जब हमने इमेज बनाई थी तो उसमें हमने सर्वर एनजीएस से सर्वर यूज किया था, तो अगर क्लाइंट के पास ऑलरेडी सर्वर है तो फिर हम क्या करेंगे? अच्छा श्योर, बाकी लोगों का आ रहा है, हम क्लास की तरफ चलते हैं। बाकी कोई क्लास से रिलेवेंट सवाल है तो आप लोग वो पूछें, ये वाली चीज़ें हम आखिर में डिस्कस करते हैं। चलिए ठीक है सर, गुड हो गए। सर जावास्क्रिप्ट का जो असाइनमेंट है वो थोड़ा क्लियर कर दें, वो एक साथ ही सबमिट करना है या पीसीस में कर सकते हैं? ओके, अभी तक सिर्फ HTML और CSS है, राइट? अच्छा अमीन सर मुझे पूछना था कि अभी आपने HTML CSS का वो दिया है अभी असाइनमेंट, मैं अभी जावास्क्रिप्ट पे काम या जावास्क्रिप्ट को सीख रहा हूँ, तो उसमें कोई ऐसा इशू तो नहीं कि आपने असाइनमेंट कोई मार्क्स वगैरह रखे हैं या कोई ऐसा नेगेटिव मार्क्स हैं? असाइनमेंट के मार्क्स हैं, नेगेटिव मार्क्स नहीं है लेकिन असाइनमेंट के मार्क्स हैं। आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ कि असाइनमेंट का कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है और असाइनमेंट का क्यों सिनेरियो ये बनाया। आप लोगों को HTML और CSS हमें कवर करानी ऑनलाइन, और जावास्क्रिप्ट हम क्लास में डिस्कस करेंगे कि जावास्क्रिप्ट के क्या चीज़ें हैं, कुछ में कौन कौन से चैप्टर हैं, कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं, उसमें हम डीप डिस्कस करेंगे क्लास। क्लास में आप सिर्फ HTML एंड CSS के जो ना वो ऑनलाइन कवर कर रहे हैं, HTML और CSS ऑनलाइन कवर कर रहे हैं। तो अब ऑनलाइन में आप क्या पढ़ेंगे? आप लोग उसकी वीडियोज़ देखेंगे, वीडियोज़ देख के आप कुछ ना कुछ उसके डेमोंस्ट्रेशन करेंगे या कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल क्रिएट करेंगे ताकि आप उसको अंडरस्टैंड कर सकें। तो उसके लिए आपको ईजी करने के लिए, ताकि आप जो जो चैप्टर पढ़ते जाओ साथ साथ उसका असाइनमेंट बनाते रहो। या आपने चैप्टर 1 पढ़ा HTML का, तो आप चैप्टर 1 का असाइनमेंट पहले से बना के आपको दिया हुआ है। आप बाकी लोग प्लीज म्यूट कर लें। ठीक है, वीडियो रिकॉर्डिंग हमें अवेलेबल नहीं हो रही है, जो कि बाकी क्लासेस के लोग सर अप्रिशिएट कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे। तो वीडियो रिकॉर्डिंग क्लासेस की मिल जाएगी? अवेलेबल तो नहीं है, वीडियो रिकॉर्डेड नहीं है, अगर आप खुद करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। लेकिन सर जो पोर्टल के ऊपर
जो पोर्टल्स पे हैं वो तो आपको सबको मिल जाएंगी, पोर्टल्स पे अपलोड कर दी जाएंगी, और वो तो आप क्लास की भी अगर रिकॉर्डिंग मिल जाए ना, क्योंकि हम ऑफिस में होते हैं बाद नहीं, क्लास की नहीं होगी सर प्लीज़। तो नहीं, क्लास की रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं है, क्लास की नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये बताइए कि जो असाइनमेंट अभी तक आपने अपलोड की है चैप्टर वन की, जितना पढ़ा है उतने तक की तो बना लिए, लेकिन वो तो असाइनमेंट बहुत आगे तक की है, तो क्या हम अभी उतनी अपलोड कर दें और बाकी का वेट या सारी एक साथ ही करें? असाइनमेंट आप सारे कंप्लीट करें एक साथ, चैप्टर वन से एक साथ ही अपलोड करें सर जी। जब सारे आपके असाइनमेंट हो जाएं HTML और CSS दोनों के, तो आप एक सिंगल लेपर बनाएं, उसमें मल्टीपल चैप्टर्स के फोल्डर क्रिएट करें, और उसको आप क्या करें एक गिटहब पे किसी रेपोसिटरी बना के उस पर पुश कर दें, और वो गिटहब की रेपोसिटरी का लिंक, अच्छा उसका लिंक गूगल फॉर्म पे दें जी। अच्छा, हर असाइनमेंट को अलग अलग अपलोड नहीं करना, सारे असाइनमेंट अपने पास बनाएं, गिटहब पे अपलोड करें, ठीक है? और उसको क्या करें सर, ये असाइनमेंट कहाँ आपने अपलोड की है? ये असाइनमेंट मेरी गिटहब पे मौजूद है, इसके अलावा मैंने स्लैक पे, फेसबुक पे। अच्छा सर, वन मोर क्वेश्चन सर, ये जो एक ही असाइनमेंट में कई टास्क है, तो ये सारे टास्क एक ही फोल्डर में करें या अलग अलग इनकी index.html और js. आप अलग अलग भी बना सकते हैं, एक ही में भी कर सकते हैं। ओके फाइन। अच्छा सर, जो पोर्टल के ऊपर डाटा है, किसी का जो डाटा है पोर्टल के ऊपर, परेशान। अच्छा मैं सबको म्यूट कर देता हूँ पहले। वरना तो आगे नहीं जा सकते, कुछ भी नहीं होगा। असाइनमेंट सिर्फ आपकी सेल्फ असेसमेंट के लिए दिए गए। सेल्फ असेसमेंट आपकी क्या है? आपके फायदे के लिए दिए गए। मैं आपको फायदा गिनवा देता हूँ। आपको HTML और CSS ऑनलाइन कवर करनी है। ऑनलाइन से मुराद आपको खुद बैठना है, वीडियो देखनी है, पोर्टल पे वीडियो देखनी है। पोर्टल पे वीडियो में आपको कुछ लगता है कि ये चीज़ मुझे समझ आ गई नहीं आई, स्लैक पे आप सवाल पूछ सकते हैं। दूसरा, आपके पास गूगल अवेलेबल है, आगे से आगे बढ़ें और जितनी ज़्यादा चीज़ें बना सकते हैं बनाएं, ठीक है? जब आप HTML का चैप्टर वन पढ़ेंगे ऑनलाइन, तो जाहिर ही बात है आपको उसको कुछ जो चीज़ पढ़ा रहे हैं आप इंटरेक्टिव होकर लाइव आके चीज़ें पूछें, कहाँ पर किसका क्या क्वेश्चन है, क्या सिनेरियो हम हल कर रहे हैं, तो इसका मकसद ख़त्म हो जाएगा। इसकी रिकॉर्डिंग हमने करके देना शुरू कर दी। सर एक क्वेश्चन था कि मैंने ना 8 चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं, और उसके बाद मैंने उसकी रिपोजिटरी पे मतलब वो पुट करके ना उसकी रिपोजिटरी का लिंक भी दे दिया उस फॉर्म में, लेकिन जो अब आखिरी बिग असाइनमेंट है हमारी, जो मेन असाइनमेंट है बड़ी वाली, उसको मैं कंप्लीट करके उसको भी अपनी उसी रिपोजिटरी में पुश कर दूं, ताकि वो जो पहले ही लिंक दिया हुआ है वहीं से आपको बाकी भी मिल जाए। जी, आप सारे लिंक एक ही रिपोजिटरी पे पुश कर दें, ताकि हमें सब एक ही लिंक से सारे चीजें मिल जाएंगी। जो लास्ट डेट है उस दिन बैठ के हम चेक करेंगे, जब तक आपके पास टाइम है आप अपनी रिपोजिटरी अपडेट कर सकते हैं। ओके सर, लेकिन चैप्टर जो उसमें असाइनमेंट नंबर 6 और 9 है ना, वो सेम है, टेबल की असाइनमेंट है, प्रोडक्ट टेबल की, वो सेम है। 6 जो 6 और 9 में फर्क ये है कि 6 ना सिर्फ HTML यूज करके बनाना है, ठीक है, और जो 9 है उसमें आपको CSS के कलर प्रॉपर्टी यूज करनी है, ठीक है? ठीक है सर। प्रीवियस थोड़ा बता दें, मैं क्लास लेने मेरे उड़ने के बारे में बोल रहा था। प्रीवियस वीक में जो आपने इंट्रोडक्शन दिया था उसका, प्रीवियस वीक में जो इंट्रोडक्शन दिया था, अगर वो अभी मैं बताऊंगा तो जो लोग प्रीवियस वीक में थे उनके लिए तो गलत है ना। एक्सक्यूज मी सर, मोबाइल कट कर रहा है, बैठे हैं अंदर। जो लास्ट मैं रिपीट कर देता हूं, फाइनली जो असाइनमेंट होगी वो रिस्पोंसिव बनानी है। जी, रिस्पोंसिव बनानी है। अगर आप रिस्पोंसिव बनाएंगे तो बेटर कंसीडर किया जाएगा, लेकिन जरूरी नहीं है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप रिस्पोंसिव बनाएं, क्योंकि आप अपने असेसमेंट के लिए बनाएं। अच्छा सर, एक पूछना था, मिस ये जावा अपनी लाइव स्क्रीन पर एक बना के दिखा दें, एक पहली असाइनमेंट मैं बना के दिखा दूं। पहली असाइनमेंट पहले क्या है, कोई स्टूडेंट बताए मुझे पहली असाइनमेंट क्या है, सब पता लग जाएगा ना। अपनी जावा कैसे जाना गिटहब पे वगैरह। अच्छा, तो पहली असाइनमेंट चले वो तो मैं आपको बता देता हूं। अच्छा सर, मतलब कि हम लोग क्या नाम है जावास्क्रिप्ट को ऑनलाइन अभी वीडियोस में कवर नहीं करें, मतलब जो अभी यहाँ पे आप पढ़ा रहे हैं वही हम कर अभी इस वक्त करें ना?
ऑनलाइन देखा है, आप आगे बढ़ के पढ़ना चाहते हैं आप बिल्कुल पढ़ें, आप आगे बढ़ के पढ़ना चाहते हैं आप बिल्कुल पढ़ें, आप पहले से कोई चीज़ करना चाहते हैं आप बिल्कुल करें, क्योंकि हमारी आईटी के मार्केट में ये चीज़ देखा नहीं जाती कि भाई अगर संडे को क्लास है तो मुझे संडे को ही पढ़ना है, इसमें आगे वही लोग बढ़ते हैं जो इसको पैशन लेके चलते हैं, जो फुल जज्बे के साथ इस पर काम करते हैं और पूरा पूरा टाइम लगा देते हैं, वही लोग इसमें कुछ ना कुछ बड़ा करते हैं। पर आपकी रेपो से फाइल डाउनलोड करता तो वो शो नहीं होती, वो कह रही है कैन नॉट रिफ्रेश, इसको वो आ रहा है फेल टू लोड पीडीएफ। मैं आपको एक ऑप्शन दे रहा हूं, आप सबसे पहले काम करें, आप अपनी स्क्रीन शेयर करें। मेरा नाम सिंगानोली है, मैं वीआईआई सुपर कंटेंट से आता हूं जी। इसके ऊपर आके आप बाकी जो स्टूडेंट्स हैं तमाम इस कोर्स रिलेटेड उसके साथ चैट कर सकते हैं, तमाम ज्वाइन करने के लिए फेसबुक पर। अच्छा ये वॉइस प्लीज बंद कर दें, जिसने भी वॉइस खोली है ना ये बंद कर दें प्लीज। ठीक है, तो आपने स्क्रीन शेयर कर दिए, तो बताएं आपके पास क्या एरर आ रहा है। ये एरर ना कुछ और आ रहा है, पीछे जाएंगे आपके कंप्यूटर का एरर आ रहा है, कोई पीडीएफ आपने डाउनलोड करी जो नहीं चल रही। अच्छा क्लिक करें इस पर, अच्छा मैं आप अपने लिंक, मेरे गिटहब का लिंक खोलें, गिटहब का लिंक ओपन करें, मैं बाकी स्टूडेंट्स को भी मैं चाहता हूँ कि किसी स्टूडेंट से करके मैं बताऊँ। देखेंगे HTML CSS का असाइनमेंट के ऊपर क्लिक करें, HTML CSS असाइनमेंट ऊपर और लिंक पे और ऊपर लिंक पे क्लिक करें। हाँ यहाँ पे ठीक है, ये देखें ये सारे चैप्टर्स रखे हुए, स्क्रॉल डाउन करें, रीडमी फाइल यहाँ पे रखी हुई है और स्क्रॉल डाउन करें, ये देखें रीडमी फाइल है, इसमें तमाम लिंक हैं, HTML और CSS का बुक का PDF है, और साथ साथ आप इसको हाईलाइट भी करते रहें जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ। HTML और CSS की बुक का ऊपर फर्स्ट पे, हाँ ये PDF रखा हुआ है बुक का, उसके बाद HTML और CSS की चीट शीट आप लोगों ने एक बना के रखी हुई है, उसके बाद CSS में आपको सिलेक्टर्स आप लोग यूज़ करेंगे तो वो सारे सिलेक्टर्स की एक लिस्ट बना के आपके। सबसे पहले आपके पास ये सारे लिंक यहाँ पे रखे हुए हैं, चैप्टर 1, 2, 3 इस तरह से लेकर टोटल 12 असाइनमेंट है, जो 12 वाला असाइनमेंट है वो फाइनल असाइनमेंट है। ठीक है, चैप्टर 1 पे क्लिक करें आप, ये देखें जिस तरह से ये मैंने एक ही फाइल में तमाम चैप्टर्स रखे हुए ना, इस तरह आपने भी यही करना है कि एक ही फाइल में तमाम चैप्टर्स रखने, ठीक है, और उन तमाम चैप्टर्स को रखने के बाद ये प्लीज मिस्टर शानी कोई हैं वो ऐसे नहीं करें। ठीक है, तो ये आपके पास चैप्टर 1 की PDF ओपन हो गई है, तो ये चैप्टर 2 का असाइनमेंट उन्होंने ओपन करा है। चैप्टर 2 का देखें असाइनमेंट में क्या लिखा हुआ, कि ये एग्जांपल बनाई हुई है, एक एग्जांपल बनाई हुई है जिसके अंदर एक हेडिंग यूज करिए, उसके अंदर टेक्स्ट लिखा है मेन हेडिंग, उसके नीचे एक पैराग्राफ है, फिर उसके नीचे एक सब हेडिंग यूज करिए, उसमें एक डमी टेक्स्ट लिखा है, फिर उसके नीचे एक और पैराग्राफ है, फिर थर्ड नंबर पे एक और सब हेडिंग यूज करिए और उसका पैराग्राफ है। इस असाइनमेंट में जो जो टैग्स यूज़ करें वो हमने नीचे बता दिए कि इसमें हमने हेड का टैग यूज़ करा है, टाइटल का टैग यूज़ करा है, बॉडी का टैग यूज़ करा है, H1 H2। अब मुझे ये बताएं इन टैग में से किसी को समझना है कि कोई ऐसा टैग मुझे समझ नहीं आया, कोई है सर? UX UI के हवाले से आपको मैं बता दें, वो क्या बता रहे थे आप? मैं ये कह रहा था कि जब आप ये सारे असाइनमेंट बना लेंगे तो इसमें एक फाइनल असाइनमेंट UI UX का है। सर जो आखिर में PDF PhD पढ़ी हुई है जी रिपोजिटरी में जी, ये भी आप दिखा दें, तो उसको भी डाउनलोड करने को डाउनलोड हुई नहीं ये। इसमें आप एक काम करें, इसका वो दिखा दें, PSD नहीं खोलें, JPEG दिखा दें। ठीक, JPEG पे क्लिक करें, ये देखें ये पूरी वेबसाइट आपको सबसे लास्ट में बनानी है, सबसे लास्ट में बनानी है। अगर इसको कोई रिस्पॉन्सिव करना चाहता है तो वो ज़रूर करे, उसकी सेल्फ असेसमेंट के नहीं होगा। जब आप ये बना लेंगे तो ये पूरा एक UI UX का प्रोजेक्ट है। इसके बाद आपके पास एक ऑप्शन होगा, आप मार्केट में जाके जब एज अ फ्रीलांस या कहीं पर जॉब करके आप UI UX के प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं ये बनाने के बाद। सर इसमें जो इमेजेस सर PSD में मिल जाए तो बेहतर हमारे लिए। दोनों है इसमें, इसमें दोनों है, इसमें PSD भी है, इलस्ट्रेशन का भी है, PDF भी है, आपको सारे इसमें लिंक रख दिए ताकि इजीली आप क्रिएट कर सकें। सर
सर इसमें जो लोगोस वगैरह यूज हुए हैं वो भी हैं? वो भी हैं, आप अपने भी यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप सेम यूज़ करें, आप अपना लोगो भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसके बदले में एक काम और कर सकते हैं, आप कोई अपनी वेबसाइट सोच लें, अपना कोई पोर्टफोलियो सोच लें, या अपनी कोई बिजनेस सोच लें, आप उसकी वेबसाइट बना के इसकी जगह सबमिट करा दें, आपके पास ये भी ऑप्शन है। So, excuse me sir, जी सर, हमने अभी कुछ स्टूडेंट्स ने जैसे फुल असाइनमेंट्स नहीं की 8 तक, अभी जैसे मैं असाइनमेंट 2 पे हूँ, तो सर हम अपनी पेस पे करते रहे, साथ साथ जावास्क्रिप्ट भी करनी है, HTML दोनों करना जरा टफ हो रहा है। जी आप अपनी पेस पे करते रहे, जब भी मैंने ये कहा है कि मैं आपको कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा कि आप असाइनमेंट लाजमी बनाए और जरूर है बनाना, ये सिर्फ आपके असेसमेंट के लिए है। आप जिस तरह के जो जो चैप्टर पढ़ते रहे, जो जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं साथ साथ उसके असाइनमेंट बना दें, सर ये बहुत हेल्प हो जाएगी, डेडलाइन नहीं होगी ना तो आराम से करते रहें। अच्छा डेडलाइन इसलिए ज़रूरी है, डेडलाइन किसी वजह से ज़रूरी है कि आप लोग एक ट्रैक पर रहें, ताकि सब स्टूडेंट एक साथ एक टाइम पर जमा करा दें और हम लोग परफॉर्मेंस रिकॉर्ड कर सकें कि कौन सा स्टूडेंट क्या परफॉर्मेंस उसकी है। डेडलाइन इसलिए ज़रूरी है, डेडलाइन आपकी मोटिवेशन के लिए भी ज़रूरी है, ताकि एक डेडलाइन होगी तो आप उससे पहले पहले उसको सबमिट करेंगे। सर पोर्टल का वो लिंक शेयर कर देते हैं जहाँ पे हमने असाइनमेंट सबमिट करवानी थी। हेलो, अच्छा फॉर्म का लिंक गिटहब पे ही अवेलेबल है, फॉर्म का लिंक ऑलरेडी गिटहब पे ही अवेलेबल है, काइंडली वो भी दिखा देते तो अच्छा। किसी ने स्क्रीन शेयर करी भाई, देखें उन्होंने लिंक आपको हाईलाइट करके दिखाया कि यहाँ इसी गिटहब पे नीचे लिंक है, उसको आप ओपन करेंगे तो ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। थैंक यू सर। सर इस मॉड्यूल में हम रिएक्ट पढ़ेंगे? नहीं रिएक्ट हम इसमें पढ़ेंगे, बिल्कुल लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट हम इसमें। जी आपकी आवाज़ म्यूट हो गई, जी शोर हो रहा है आपके पास से बहुत। एक्सक्यूज मी सर, जी मैं सर मुझे पूछना था जो चैप्टर वाइज आपने जो असाइनमेंट दी है वो आप स्क्रीन शेयर करके सर ये बता दें, जैसे चैप्टर नंबर 2 है उसके जो हेडिंग्स आपने लगाई हुई हैं तो उसमें हमें यानी कोई ना कोई एग्जांपल्स, जैसे अगर वीडियोस के अंदर एग्जांपल्स हैं तो उसी को ही हम यानी कि डेमोंस्ट्रेट करके हम लगा। लेकिन इसमें ना आपके पास पूरी कंप्लीट ऑनरशिप है, और आपके पास कंप्लीट ऑनरशिप है, आप असाइनमेंट पूरा भी बदल सकते हैं। मैंने चैप्टर 2 का असाइनमेंट कुछ और दिया, आप कुछ और भी बना सकते हैं, आपके पास कंप्लीट ऑनरशिप है। ये सिर्फ आपके असेसमेंट के लिए है। अच्छा जी ये सिर्फ आपके असेसमेंट के लिए है कि आप एक ट्रैक पर हैं। अगर कोई स्टूडेंट ये कहता है कि मैं पढ़ रहा हूँ लेकिन मैं बनाऊँ क्या, तो उसके पास पहले से डेटा है कि उसको बनाने क्या। सर अगर कोई आदमी आगे बढ़ के जीएस करना चाहता है, मतलब ये कंप्लीट करने के बाद एचटीएमएल सीएसएस के बाद, तो क्या वो जो जीएस की असाइनमेंट्स होंगी वो भी उसी में रख दे, मतलब जो पहले रिपोर्ट में अलग अनाउंसमेंट करेंगे उसके लिए अलग अनाउंसमेंट करूंगा मैं जावास्क्रिप्ट के लिए, वो अभी आप फिलहाल इग्नोर करें। लेकिन अगर कोई चाहता है कि साथ साथ जिस तरह हम क्लास पढ़ रहे हैं जावास्क्रिप्ट की, सर हम अपना खुद का बना कर दे दें लेकिन मैं उसकी कोई डेडलाइन नहीं दूंगा, वो सिर्फ आपके असेसमेंट के लिए होगा कि जिस तरह हम क्लास कवर करते जा रहे हैं साथ साथ आप असाइनमेंट भी बनाते रहे। अस्सलाम वालेकुम सर, सर मेरा एक सवाल है, लोग जावास्क्रिप्ट का असाइनमेंट है, आर वी गोना यूज CI और CD के जो हमने और वीडियो से सीखा हुआ गिटहब के जो कंटीन्यूअस डेवलपमेंट और कंटीन्यूअस इंटीग्रेशन के, हम लोग वुड वी यूज दैट एज वेल? या आप यू आप क्या उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन आप उसको किस पर्पस के लिए यूज करेंगे? CI/CD को आप कहां डिप्लॉय करेंगे, उसके बाद आप क्या करना चाह रहे हैं? सर ये की बात है ना कि पोर्टफोलियो मार्केट में तो CI/CD की डिमांड है, हमें तो वी नीड अ पोर्टफोलियो फॉर दैट। सही है, तो आप जिस मैं यही कह रहा हूं कि आपके पास कंप्लीट ओनरशिप है, आप असाइनमेंट चेंज करना चाहते हैं, आप अपनी चीज़ें ऐड करना चाहते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि असाइनमेंट किसी इसलिए नहीं दिया गया कि आप लोग उसको पूरा करेंगे तो हम आपको किसी लेवल पे लेके जाएंगे, वो सिर्फ आपके असेसमेंट के लिए है, सेल्फ असेसमेंट है आपकी। अच्छा सर फिर दूसरा सवाल मेरा ये कि हम लोग रिएक्ट प्रोजेक्ट्स भी करेंगे लाइक जब आप पढ़ा रहे होंगे लाइक इन द एंड और समथिंग? जी आप रिएक्ट के प्रोजेक्ट भी करेंगे। देखो क्लास में जो असाइनमेंट दिए जाते हैं ना वो बिल्कुल रियल वर्ल्ड सिनेरियो नहीं होंगे, वो सिर्फ इस लेवल पे होंगे कि एक बिगनर उसको अटेम्प्ट कर सके। जब भी हमने लास्ट वाला असाइनमेंट अपना UI यूज कर रखा है, बाकी जो जितने भी असाइनमेंट हैं वो बिल्कुल इस लेवल पे हैं कि आप सब टैग्स यूज कर रहे हैं उसमें, HTML के टैग्स, CSS के टैग्स,
आपको एक प्रोसेस से गुजारा जा रहा है कि आप एटलीस्ट जो पढ़ रहे हैं उसका प्रैक्टिकल कर सकें। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। अच्छा और स्टूडेंट क्या किसी का सवाल है, फिर हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। दोबारा पूछें, आपका सवाल मिस हो गया सर। मेरा सवाल ये था कि जो चैप्टर फाइनल एचटीएमएल की असाइनमेंट है उसमें नेविगेशन भारती है, नीचे पिक्चर्स हैं, तो उसमें सीएसएस यूज होनी है, तो वो कैसे करेंगे? तो आप पहले उसकी उसके पहले वाले सारे असाइनमेंट बना लें, जब लास्ट के दिन होंगे जब फाइनल असाइनमेंट तक सब स्टूडेंट पहुंच जाएंगे तो हम उसको एक बार डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी सर, थैंक यू। अच्छा तो मुझे आप लोगों से प्रोग्रेस पूछनी है कि लास्ट क्लास में हमने दो चैप्टर कवर करें, अलर्ट का और वेरिएबल का, तो आप लोगों में से कितने लोग हैं जिन्होंने उस पर प्रैक्टिकल करें और प्रैक्टिकल कुछ ना कुछ क्रिएट करा, कुछ बनाए? जी सर मैंने किया है, मैंने ट्राई किया है, लेकिन जाना ये अलर्ट फाइल कॉल नहीं हो रही इस पर। अच्छा, तो आप लोग शेयर करें कि आपने क्या बनाया है जो अभी एक स्टूडेंट ने कहा था। मैं करता हूं। ठीक है जी, मैं शेयर करता हूं जो मैंने बनाया, लेकिन मुझे शो नहीं हो रहा। हम 5 मिनट में क्लास शुरू करते हैं ताकि आप लोगों की सारी क्यूरीज रिजॉल्व कर लें एक बार, फिर 5 मिनट में क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी, तो प्लीज एक्सप्लेन करें कि आपने कोई असाइनमेंट दी हुई है, मुझे नहीं पता चला था, मैं लास्ट क्लास भी मिस हुई थी शायद। अच्छा असाइनमेंट में बिल्कुल क्लास के लास्ट में असाइनमेंट की बात करेंगे क्योंकि हम काफ़ी देर से उसी के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन हम अभी ये डिस्कस कर रहे हैं कि लास्ट क्लास में हमने जावास्क्रिप्ट के दो चैप्टर्स पढ़े थे, उसके लिए आप लोगों ने क्या क्या प्रोग्रेस करी है आप लोग शेयर करें ताकि बाकी स्टूडेंट्स के लिए हो कि बाकी स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, आप लोग भी उनको देख के कुछ बनाएं। जी सर मुझे इसका डिस्प्ले दिखाएं। अच्छा कोड आपने दिखाया मुझे, आप वो दिखाएं, इसका इंटरफेस दिखाएं। इंटरफेस ऑन करें, इंटरफेस से मुराद है कि आपने फाइल जो बनाई है उसको आप ब्राउजर पर ओपन करें। मैं जी मैंने ब्राउजर में ओपन किया, आपको नजर आ रही है index.html मेरे ब्राउजर में सर? इसने जस्ट ये में 5 मिनट में अगेन इनको कहे कि अपना एंटायर स्क्रीन शेयर करे तो फिर वो भी नजर आ जाएगा, वो नजर। अच्छा तो सर आपने ना एंटायर स्क्रीन शेयर नहीं करा, आपने सिर्फ कोड की फाइल शेयर कर दी, आप पूरी स्क्रीन शेयर करें। मैंने स्क्रीन अगेन देखें, स्टॉप स्क्रीन करके दोबारा एंटायर स्क्रीन सेलेक्ट करें। अच्छा सुबह मैं ना थोड़ी देर में कॉल कर रहा हूं, मैं क्लास ले रहा हूं। ठीक है ये अभी ये देखें आपको नजर आ रही है? जी नजर आ रही है, अब वो स्क्रीन भी नजर आ गई ब्राउजर की। अच्छा अब ब्राउजर ओपन करें, ये इंडेक्स फाइल है, ये सीएसएस ये खाली पड़ी है, मैं इसको बंद कर देता हूं, और ये अलर्ट की फाइल है जिसमें मैंने अलर्ट लिखा है। ठीक है, लेकिन जब मैं इसको ब्राउजर में ओपन कर रहा हूं तो ये मुझे कोई मैसेज भी नहीं दे रहा, बाकी तो उसने बटन शो कर दिया। अच्छा आप मुझे अगेन फाइल दिखाएं, अगेन फाइल दिखाएं, आप इसको थोड़ा ज़ूम करें कंट्रोल प्लस से, कंट्रोल प्लस से हो जाएगा, कंट्रोल प्लस से, राइट जी। ठीक है तो आप मुझे ये दिखाएं आपने क्या लिखा है, alert.js, alert.js कहां बनी हुई है आपकी? ये alert.js यहां पे ये आपको नजर आ रही है, इसी फोल्डर में है। ठीक है, windows.alert और alert आपने वेरिएबल बनाया हुआ है, और आप अगेन से अपनी HTML की फाइल दिखाएं मुझे। HTML जी ठीक है, तो ये स्क्रिप्ट में आपने alert.js लिखा हुआ है, इस पर हाईलाइट करें, alert.js पे क्लिक लेके जाएं, सिर्फ फॉरवर्ड लेके जाएं, कंट्रोल प्रेस करें, इस पर क्लिक करें। ठीक है, ठीक है ये आपने windows.alert बनाई हुई है और ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। अभी किस लोकेशन पर आपने बनाई है फाइल की लोकेशन दिखा सकते हैं? Ctrl-K-O दबाएं, Ctrl-K-O जी, वहीं पे जाएं कोड में जाएं जी, कंट्रोल के और ओ, कंट्रोल के और ओ, राइट
क्या चीज ओपन करी सर अलर्ट में टेम्पलेट इसने बताया ये ई के अंदर पीआईएसी सीएनसी और उसमें अलर्ट की फाइल है ठीक है ठीक है तो यहीं पे जाएं अब ये वो सेम फोल्डर है ई पीआईएसी सीएनसी एंड अलर्ट जी फोल्डर तो सेम है अब ओपन करें अगेन फाइल इसको रिफ्रेश करें यस के कोड में थोड़ी सी मिस्टेक है सर टेम्पलेट लिटरेसी नहीं यूज किए हमने हां जी क्या मिस्टेक है अलर्ट में कोड में मिस्टेक है विंडोज में एस नहीं आएगा विंडो डॉट अलर्ट आएगा अच्छा तो देखें ना आपने ये एरर लिखा हुआ है अच्छा एक काम करें आपने अभी ब्राउजर रिफ्रेश नहीं करना ब्राउजर पे जाएं ब्राउजर पे कंसोल ओपन करें राइट क्लिक करें स्पेक में जाएं राइट क्लिक करें स्पेक में जाएं कंसोल पे क्लिक करें कंसोल पर देखें टूल्स में से कंसोल आ रहा है ये देखें एरर यहां पे क्या लिखा हुआ आ रहा है विंडोज इज नॉट फाइंड राइट हां तो ये आप वहां पे जाएं और लाइन नंबर भी इस पे लिखा हुआ है लाइन नंबर आपका 1 है ठीक है अलर्ट डॉट जेएस में लाइन नंबर 1 है अब लाइन नंबर पे जाएं विंडोज क्या चीज है ये विंडोज का इसमें डाल दिया स्टेप कर दिया खत्म कर दिया मैं इसको रिफ्रेश करता हूं तो अच्छा ये वही बात है जो आप रिफ्रेश करें आप देखें चल रहा है मैंने इसको सेव नहीं किया मुझे इसे करना है प्लस पूरा मैं रिफ्रेश करता हूँ ये बिल्कुल ये चल गया थैंक यू ठीक है तो आप देखें जावास्क्रिप्ट में हमारे पास इंटरप्रेटर होती है इंटरप्रेट से मुराद ये है कि वो लाइन बाय लाइन चलती है अगर लाइन वन पे एरर है तो वो लाइन टू का कोड नहीं रीड करेगी बल्कि एरर आ जाएगा और कोड आपका रुक जाएगा ठीक है तो हमेशा कंसोल एक बेस्ट प्रैक्टिस है मैं आप लोगों को अभी यहाँ भी करके दिखा देता हूँ अपने पास कंसोल हमेशा बेस्ट प्रैक्टिस है और कंसोल ही यूज किया जाता है एवरी टाइम मैं पहले अपने स्क्रीन शेयर कर देता हूँ स्क्रीन आप लोगों को मेरी स्क्रीन शो हो रही है यस सर ठीक है क्लास हम अगेन से शुरू करते हैं सबसे पहले CSS HTML का असाइनमेंट आप लोगों के पास अवेलेबल है github.com/amin-alam जब आप इस लिंक पे जाएंगे तो आप लोगों को मेरी रिपोजिटरी का लिंक मिल जाएगा और यहाँ पर मल्टीपल रिपोजिटरीज हैं इसमें से एक रिपोजिटरी का नाम है HTML CSS असाइनमेंट ठीक है ये HTML CSS असाइनमेंट में आपके तमाम असाइनमेंट की लिस्ट मौजूद है इस असाइनमेंट को बिल्कुल भी कोई प्रेशर नहीं ले स्टूडेंट ये आपको सिर्फ इसलिए दिए गए हैं कि आप अपने सेल्फ असेसमेंट कर सकें आप पढ़ सकें और बिल्कुल अच्छा एक असाइनमेंट बना सकें इसमें चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तमाम असाइनमेंट में सबसे लास्ट में एक UI/UX का असाइनमेंट है ये आप कंप्लीट करेंगे और कंप्लीट करने के बाद आप UI/UX के एक अच्छे लेवल पे आ जाएंगे बिगनर लेवल पे आ जाएंगे और ये आप एज अ पोर्टफोलियो किसी कंपनी को या किसी वीडियो जो पेपर में वो काइंडली लिंक शेयर करते हैं सर हेलो जी हेलो हेलो
सर पोर्टल का लिंक जो है वो आप लॉगिन जहाँ करते हैं जहाँ से आपने अपना वाउचर जमा कराया होगा वही पोर्टल एक्चुअली नहीं पोर्टल पे मैं कह रहा था कि HTML CSS की वीडियोस की आप कह रहे हैं ना पोर्टल पे है मैंने तो देखा मुझे तो अवेलेबल नहीं थी क्वार्टर 1 की चीजें ही पड़ी हुई हैं वहां आप सर आप अवेलेबल हो गई हैं अवेलेबल हो गई हैं दोबारा चेक करें फिर से चेक करें होगा कंप्लीट है लास्ट वीक की एड हुई होंगी फिर हेलो लास्ट संडे की मैं लेट में चेक इधर ही कर लेता हूं चल हेलो सर अभी हम क्लास में हमने शुरू में कुछ क्वेरीज रिजॉल्व करी है स्टूडेंट की तो इसीलिए हमारी क्लास आज थोड़ा सा लेट हो गई है 2:10 पे हम शुरू कर रहे हैं मैं बाकी चीजें आप लोगों के लिए ओपन कर देता हूँ फिर मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ सर काइंडली आप सबको म्यूट करें ताकि क्लास में फिर कोई डिस्टरबेंस ना हो क्योंकि बाद में लोग आके फिर असाइनमेंट और इन चीज़ों के हवाले से पूछते हैं तो फिर सारी क्लास जो है ना वो ख़राब हो जाती है तो काइंडली सबको म्यूट करें क्लास स्टार्ट करने से पहले ठीक है मैं म्यूट करता हूँ क्या बदतमीजी हो रही है तुम नंगे पांव क्यों घूम रहे हो सर जरूरत पड़ गई सर काइंडली म्यूट कर दे सबको सर मैं चीज़ें डिसेबल कर देता हूँ ठीक है ताकि बाकी जो स्टूडेंट हैं एनोटेशन बना रहे हैं तो मैं उसको सारी चीज़ें डिसेबल कर दूँ अच्छा तो अब मेरी आवाज़ आ रही है सबको क्लियर आवाज़ आ रही है यस ठीक है तो जल्दी से क्लास स्टार्ट करते हैं और कोई एक सैंपल प्रोजेक्ट ऑन करते हैं सीएनसी जावास्क्रिप्ट का चैप्टर है और यहाँ पे index.html ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हैं कि ये index.html वगैरह क्या हैं और ये हम क्यों यूज़ कर रहे हैं तो कोई मेरी प्लीज मुझे हैंड रेज करके बताएं कि index.html ही क्यों मैं फहाद को लाइन पे ले लेता हूँ
तो मैं फैसल को लाइन पे ले लेता हूँ आपके साथ ताकि हम लोग इंटरेक्टिव सेशन चलाएं। सर जो लोग सॉरी लेट ज्वाइन का मैसेज कर रहे हैं वो प्लीज़ नेक्स्ट टाइम ना टाइम पे क्लास ज्वाइन करें, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही आज की क्लास लेट इसलिए हो रही है। मैंने खुद से वेट करा कि स्टूडेंट इतनी देर से क्यों ज्वाइन कर रहे हैं, आप लोगों का नुकसान है पूरा। मैं क्लास स्टार्ट इसमें ना आज देर से करिए, लेकिन नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह हम पूरे टाइम पे लेके चलेंगे, और आप लोग कोशिश करना कि 15 मिनट पहले से उसे ज्वाइन करें। आज खुद ही देर करिए मैंने, क्योंकि जब मैंने देखा कि स्टूडेंट तो बिल्कुल आराम से आ रहे हैं, उनको कोई टेंशन ही नहीं है क्लास के हवाले से। ठीक है, index.html की एक फाइल क्रिएट करते हैं, डमी फाइल। मैं विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर रहा हूँ, आप लोगों से दरख्वास्त है कि नोट पैड यूज़ करें, अगर कोई विजुअल स्टूडियो यूज़ करना चाहता है तो उसकी मर्ज़ी है, वो विजुअल स्टूडियो कोड भी यूज़ कर सकता है। उसको यूज़ करने की वजह यह है कि इसमें काफ़ी फीचर्स हैं और इसमें अलग अलग इसके फॉर्मेट्स आ जाते हैं जिसके ज़रिए हम ईज़िली बहुत सारी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक एक्सटेंशन आती है एक्लाइमेट्री साइन, जब इस पर एंटर करते हैं तो ये हमें बाय डिफॉल्ट एक HTML का सेंटेक्स दे देता है। उसी HTML के सेंटेक्स में से हम कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मिटा देते हैं ताकि आप लोगों के लिए ईजी टेम्पलेट बन जाए। ठीक है, ये आपका बाय डिफॉल्ट एक HTML हो गया। तो यहाँ पर मैं JavaScript लिखने के कितने तरीके हैं एक बार हम रिपीट कर लेते हैं, आप लोगों से मैं सवाल पूछूंगा कि JavaScript लिखने के कितने तरीके हैं हमारे पास। हम इस HTML के मैं एक H1 का टैग बना लेता हूँ और लिख देता हूँ CNC क्लास CNC क्यूब 2 इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल एक्सटर्नल से मुराद है कि हम एक ही फाइल में तमाम चीज़ें लिख सकते हैं, मतलब एक ही फाइल में HTML और इसी फाइल में JavaScript लिख सकते हैं। और एक्सटर्नल से मुराद है कि मैं JavaScript की फाइल कहीं और बनाऊँ, एक न्यू फाइल बनाऊँ जेस की, ठीक है, और उस फाइल का लिंक कर दूँ इस पेज पे। मैं दोनों तरीके आप लोगों को करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हमारे पास एक स्क्रिप्ट का टैग होता है, जब इसको ओपन करते हैं और इसमें कुछ भी अलर्ट कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, मैंने एक स्क्रिप्ट का टैग ओपन करा और JavaScript का एक सेंटेंस लिखा है अलर्ट। अलर्ट से मेरे पास क्या शो होगा, सबसे पहले इस फाइल की लोकेशन पे जाते हैं। फाइल की लोकेशन पे जाकर इस फाइल को ओपन करें, देखेंगे टेक्स्ट प्रिंट हो गया मेरे पास अलर्ट। ठीक है, और दूसरा मेरे पास सॉल्यूशन क्या है, अगर ये टेक्स्ट जो है मेरा मल्टीपल लाइंस का, ये 2000 लाइन का, 3000 लाइन का, 4000 लाइन का पूरे JavaScript की सिंटैक्स लिखा हुआ है, तो क्या एक ही फाइल में सब भरना अच्छा होगा? बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि हम हमेशा जो भी कोडिंग करते हैं वो किसी स्ट्रक्चर के मुताबिक कर रहे होते हैं, प्रॉपर तरीके से कर रहे होते हैं, इस लेवल पर कर रहे होते हैं कि मैंने अगर किसी एप्लीकेशन का कोड करा है और दूसरा डेवलपर उसके बाद उस पर आता है तो वो भी ईजीली उसको समझ सके और उस पर अपना कोड कर सके। कभी भी आप लोग कोडिंग ऐसी नहीं करें कि वो सिर्फ आपको समझ में आए और किसी और को समझ ना, तो हमेशा प्रैक्टिस और कोशिश ये रखें कि वो एक ऐसा पैराडाइम यूज़ करें जो सबके लिए जनरल हो। ठीक है, तो उसके लिए हमारे बेस्ट तरीका क्या होता है, इस वाले मेथड को हम यूज़ नहीं करते बल्कि हम एक script.src स्क्रिप्ट के अंदर एक src का लिंक प्रोवाइड करते हैं जिसमें हम बताते हैं index.js। यहाँ से फ़ायदा क्या हुआ कि HTML के इस टेम्पलेट में JavaScript का फाइल लिंक हो गया। ठीक है, JavaScript की फाइल इस टेम्पलेट के साथ लिंक हो गई। अब HTML का अपना अलग पेज है, JavaScript क्योंकि यहाँ से लिंक है तो यहाँ पर हम JavaScript लिख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं अलर्ट प्रिंट करता हूँ, यहाँ पे मैं अपना नाम लिख देता हूँ, इसको सेव करते हैं, ब्राउज़र पे जाते हैं, चेक करते हैं तो देखें यहाँ पर अमीन आलम प्रिंट हो गया। तो हमेशा ये प्रॉपर तरीक़ेकार होता है। अच्छा, मेरी आधी स्क्रीन आ रही है, ऐसा कितने लोगों को लग रहा है? मैं अगेन से स्टॉप कर लेता हूँ।
प्रॉपर नजर आ रही है स्क्रीन? पुलिस की नजर आ रही है? यस सर। वाई आई थिंक जूम की वजह से दोनों स्क्रीन ओ सर हाफ आ रही है। हाफ आ रही है सर, अभी भी हाफ आ रही है। अभी भी हाफ आ रही है सर। अपनी चैट विंडो ऑफ कीजिएगा तब पूरी आएगी। एक बॉक्स आ रहा साइड में अब, ठीक है? एक बॉक्स आ रहा है। सर ये थोड़ी देर बाद क्लोज होता है सर, कासिम का भी यही इशू आ रहा था, वो कह रहे थे लिनक्स में कोई प्रॉब्लम है। क्लोज हो गया अब, ठीक है? अब ठीक है, मैंने ये क्लोज कर दिया। अब मैं आपकी चैट दूसरे स्क्रीन पर ओपन कर लूंगा। ठीक है, इट्स फाइन नाउ। ओके नाउ ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है कि किस तरह से हमने जावास्क्रिप्ट का टैग यूज करा है, एक्सटर्नल क्यों गए और इंटरनल क्यों यूज नहीं करा। आप लोग सब माइक पे आ सकते हैं, मैंने सबके माइक ओपन कर दिए, लेकिन प्लीज शोर नहीं रखना ताकि हम एक ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। अब हमारे पास सेकेंड ऑप्शन क्या था, मैं पुरानी क्लास रिपीट नहीं कर रहा, लेकिन मैं थोड़ा स्पीड में आप लोगों को लेके चल रहा हूँ ताकि पुरानी क्लास एक बार हम रिव्यू भी कर लें। तो यहाँ पर मेरे पास सिनेरियो था कि मैं कोई वेरिएबल बना सकूँ। वेरिएबल वाले केस में हमारे पास क्या होता है कि हम किसी वेरिएबल में डेटा स्टोर कर सकें, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप काम कर रहे हो तो वहाँ पे एक वेरिएबल का एक ग्लोबल कॉन्सेप्ट है। तो जावास्क्रिप्ट में आपके पास वार का कीवर्ड है, इस वार की कीवर्ड के बाद आप एक वेरिएबल डिफाइन कर सकते हो, जस्ट लाइक मेरे पास वेरिएबल है नेम, या मेरे पास वेरिएबल है क्लास, या मेरे पास वेरिएबल है डेटा। एग्जाम्पल के तौर पर मेरे पास वेरिएबल है यूज़र नेम, ठीक है? यूज़र नेम को हम, हमारे पास हमेशा दो टारगेट होते हैं, एक वेरिएबल को डिक्लेयर करना और दूसरा ऑप्शन क्या होता है हमारे पास कि उस वेरिएबल को वैल्यू असाइन करना। ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए क्या तरीक़ेकार है, हम लोग वायर के कीवर्ड की मदद से वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास दूसरा जो ऑप्शन है वो ये है कि आप वेरिएबल को कोई ना कोई वैल्यू उसको असाइन कर सकते हैं। तो हमारे पास दो तरीके हैं वैल्यू इनिशियलाइज करने के, कि आप यहाँ पर यूज़र नेम का एक वर्ड को लिखें और अपना नाम लिखते हैं, ठीक है? तो ये हमारे पास हो जाता है तरीका वन। ये कमिट है, कमिट से सब लोग क्लियर है? कमिट क्या होता है? यस सर, यस सर, जो यहाँ पे लिखी जाती है लेकिन कोड में वो फ्रंट एंड पे शो नहीं होती। जी, कमिट हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम अपने कोड को और इन्हेंस कर सकें। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ मैंने वेरिएबल बताया, तो यहाँ पर मैं बता सकूँ ये जो वेरिएबल है, वेरिएबल फॉर स्टोर यूजर नेम, ठीक है? ये क्या है, मेरा एक कमिट मैं लगाना चाह रहा हूँ, लेकिन मुझे लैंग्वेज तो इजाज़त नहीं देगी इस तरह का टेक्स्ट लिखने में। तो यहाँ पर मैं डबल स्लैश के साथ एक कमिट क्रिएट कर सकता हूँ। अभी क्या होगा कि ये मेरे पास ऐसा कमिट क्रिएट हो गया, अब जो भी मेरे स्कोर पाएगा वो समझ जाएगा कि यहाँ पर एक यूज़र नेम की इंफॉर्मेशन स्टोर होगी, ठीक है? तो हमने, हमारे पास इस वेरिएबल में दो काम हुए हैं, एक वेरिएबल को हमने क्रिएट करा है, इनिशियलाइज कराया है, और एक इसको वैल्यू असाइन करी है, ठीक है? इस दोनों पार्ट को हम अलग अलग भी कर सकते हैं। एग्जांपल, वार की कीवर्ड से मैं एक यूज़र नेम क्रिएट करता हूँ, यूज़र नेम मेरे पास क्रिएट होगी, और यूज़र नेम को मैं नीचे वाली लाइन में आकर वैल्यू असाइन कर दूँगा, ठीक है? तो ये दोनों, ये वाला तरीका और ये वाला तरीका, दोनों सेम है आपके पास। यहाँ पे हम नेम लिख देते हैं या लास्ट नेम लिख देते हैं, ठीक है? यहाँ पे हम लास्ट नेम लिख देते हैं, यहाँ पे आलम लिख देते हैं। तो ये दोनों तरीके आपके पास सेम है। इसको अलर्ट करके चेक कर लेते हैं। अलर्ट के कीवर्ड है हमारे पास चार सौ में। अगर मैं यहाँ पर लास्ट नेम लिखता हूँ और लास्ट नेम को मैं सेव करता हूँ, ब्राउज़र पे इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखेंगे आलम प्रिंट हो गया। आलम की जगह मैं यूज़र नेम यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, उसको सेव करते हैं, ब्राउज़र पे जाते हैं तो ये देखें यहाँ पर अमीन आलम का पूरा एक ये प्रिंट हो चुका है। अच्छा, सेमी कॉलन जो है हमेशा बेस्ट प्रैक्टिस करी जाती है, क्योंकि अभी मैं सेमी कॉलन यूज़ नहीं कर रहा था लेकिन सेमी कॉलन बेस्ट प्रैक्टिस की जाती है। अच्छा, किसी ने सवाल ये पूछा है कि हम सिंगल लाइन पे वेरिएबल को कमिट करते हैं डबल स्लैश से, अगर मल्टी लाइन हो तो हम क्या करेंगे? मतलब एग्जांपल के तौर पे
तरह का हमारे पास डेटा है। तो ये मल्टीपल लाइंस को हम कमिट कैसे करेंगे? तो हमारे पास दोनों ऑप्शन है कि हम तमाम लाइंस को अलग अलग कमिट भी कर सकते हैं, ठीक है, या दूसरा ऑप्शन है हम मल्टीपल लाइंस को कुछ इस तरह से कमिट कर, मतलब स्टैरिक स्लैश स्टार्ट में लगा दें और स्लैश स्टैरिक जो उसके एंड और स्टार्ट में लगा। तो ये दोनों तरीके कमिट करने के हमारे पास अवेलेबल, ठीक है। अब मैं एक प्रोग्रामिंग की एक बेस्ट प्रैक्टिस आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, वो है कंसोल। कंसोल हमारे पास क्या है कि जब भी आप कोई भी कोडिंग में कोई भी प्रोग्रामिंग में कोडिंग कर रहे हैं, जस्ट लाइक हम जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास कंसोल मौजूद है। कंसोल का टूल जब आप F12 प्रेस करें या स्टैक एलिमेंट में जाएँ, राइट क्लिक करें ब्राउज़र पर, स्टैक एलिमेंट में जाएँ या F12 प्रेस करें, तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर लास्ट में आपके पास कुछ एलिमेंट्स आपको नज़र आ रहे होंगे, जिसमें एलिमेंट कंसोल सोर्स ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। इसमें कंसोल वाले हिस्से में जाएं तो ये कंसोल वाले हिस्से में आपको पूरी जावास्क्रिप्ट का एक कंसोल मिल जाता है, जिसको हम एक पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। वो क्या है, क्योंकि हम यहाँ अलर्ट करा रहे हैं ना, तो अगर मेरे पास मल्टीपल डेटा हो तो मल्टीपल अलर्ट तो मैं नहीं कराऊँगा, यहाँ पर मैं कंसोल यूज़ कर कंसोल डॉट लॉग, और इस लॉग में मैं कोई भी डेटा फिलहाल इनिशियलाइज करवा देता हूँ। जैसे लाइक मैं डेटा यहाँ प्रिंट करवा रहा हूँ, तो मैं सेव करता हूँ कंसोल डॉट लॉग की लाइन। ब्राउज़र में आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, देखें यहाँ पर डेटा प्रिंट हो गया, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं डेटा हटाकर यूज़र नेम लगा दूँ इस तरह से, तो अब मेरा आप लोगों से अगेन एक सवाल है, पिछली क्लास में भी ये सिनेरियो हमने करा था, तो यही यूजर नेम प्रिंट हो जाएगा? यस सर, प्रिंट हो जाएगा। यूजर नेम की जगह जो वैल्यू स्टोर है वो प्रिंट होगी, अमीन आलम प्रिंट होगा सर, अमीन आलम प्रिंट होगा। अच्छा, यूजर नेम होगा सर, आप नहीं, ऐसा स्ट्रिंग सर, यूजर नेम होगा, यूजर नेम प्रिंट होगा बिकॉज़ यूजर नेम जो सर, यूजर नेम बोलो यार, डबल कोटेशन सर, ये डबल कोट में सिर्फ यूजर नेम प्रिंट होगा। अच्छा सर, ये क्लास में बच्चों और ये एज इट ही प्रिंट नहीं होगा, कर लेते हैं हम लोग, सेव करते हैं, ब्राउजर पे जाते हैं और रिफ्रेश करते हैं, देखें क्या प्रिंट हुआ है, यूजर नेम प्रिंट हुआ है। तो देखें जावास्क्रिप्ट में आप कोई भी न्यू वैल्यू इनिशियलाइज करवा रहे हैं, कोई भी डेटा इनिशियलाइज करवा रहे हैं, हमेशा वो स्ट्रिंग कोटेशन में आता है, कोटेशन में आता है या स्ट्रिंग इसको हम कहते हैं। अच्छा सर, मेरे को कोई डेटा स्ट्रिंग में लिखेंगे तो जावास्क्रिप्ट नज़र में वो नया डेटा है जो एज अ टेक्स्ट कंसीडर हो रहा है, ठीक है। अगर मैं ये स्ट्रिंग हटा देता हूँ तो अब इसकी नज़र में ये कोई कीवर्ड है या कोई वेरिएबल है या कोई लिंक है, ये लिंक का हो रहा है, देखें अगर मैं इस पर लिंक करता हूँ तो देखें इस लाइन पर लिंक हो रहा है, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग वाला क्या समय से याद रखना, अगर मैं आप सेव करवाता हूँ ब्राउज़र पर जाता हूँ, देखें आप अमीन आलम प्रिंट, ठीक है। और एक और सिनेरियो, अगर यहाँ मैं अमीन आलम से स्ट्रिंग हटा दूँ तो क्या होगा, चलें ये भी हम ट्राई कर लेते हैं। इसको मैं सेव करता हूँ, ब्राउज़र पे जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, देखें यहाँ पर बस एरर आ गया, सिंटैक्स एरर। और कंसोल की एक अच्छी बात है, ये जिस लाइन में एरर आया वो आपको लाइन भी बता रहा है। इसमें देखें कॉलोन 12 लिखा हुआ है, 12 का मतलब लाइन 12 पे इंटेक्स डॉट जे एस की फाइल में आपके पास क्या एरर है, सिंटैक्स एरर। हम कोडिंग में आते हैं, कोडिंग में आने के बाद हम लाइन 12 पे आते हैं, ये देखें ये लाइन 12 पे क्या एरर है, सिंटैक्स एरर। अगर फिर मैं इसको अगेन से बैक आ जाता हूँ, उसको स्ट्रिंग में कर देता हूँ, सेव करते हैं, बैक जाते हैं, तो सिंटैक्स एरर क्लियर हो गया। अब क्या प्रिंट हो रहा है यहाँ पे, अमीन आलम, कौन सी लाइन की वजह से प्रिंट हो रहा है, लाइन 14। लाइन 14 पे आते हैं यहाँ पे क्या रखा है, कंसोल रखा है। तो डिबगिंग के लिए है, बेस्ट प्रैक्टिस के लिए, हमेशा आप कंसोल ओपन रखें। अमीन सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि हमें कंसोल लॉग डॉट लॉग की जरूरत क्या पड़ती है, क्यों पड़ती है, जबकि ये तो कंसोल में प्रिंट हो रहा होता है, स्क्रीन पे तो नहीं आता, तो इसकी क्यों जरूरत है, क्या जरूरत? मैंने अभी आपको मैं दोबारा बताता हूँ, जब भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर रहे हैं ना, तो आपके पास दो सिनेरियो हैं, जो आप कर रहे हैं काम वो आपको टेस्ट करना है, दूसरा डीबगिंग। डीबगिंग के एग्जाम्पल हम इस तरह देते हैं, जैसे अभी हमारी क्लास में एक केस हुआ, किसी ने यहाँ पर लिखा विंडो डॉट अलर्ट और यहाँ पर अलर्ट करा दिया कुछ भी टेक्स्ट, ठीक है। अब हम नॉर्मल अपने ब्राउज़र पेज पर आते हैं, ये अलर्ट करते हैं, तो देखेंगे अलर्ट हो जाते हैं। लेकिन सिनेरियो क्या हुआ, सिनेरियो हमारे पास कुछ इस तरह का हुआ है कि किसी ने विंडोज़ लिखा था, सही है,
अब यहाँ हमने सेव करवाया, हम यहाँ पर आए, हमने रिफ्रेश करा तो देखें कुछ भी नहीं हुआ, स्क्रीन पे कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन कंसोल ने एक एरर दे दिया, एरर दिया है कि भाई विंडोज इज नॉट डिफाइंड ऑनलाइन पर। तो ये आपको डीबगिंग के लिए कितना फ़ायदा हो गया, आपको शायद आपके माइंड में आया हो कि ये विंडोज लिखा हो या विंडो लिखा हो, छोटी छोटी चीज़ें इग्नोर हो जाती हैं, लेकिन जब आप कंसोल ओपन करके काम करते हैं तो ये आपको सारी चीज़ें बता रहा होता है कि आप कहाँ पे, आपके पास एरर क्या है। ठीक है, तो सर कंसोल डॉट लॉग लिखने से क्या होगा, मैं ये पूछना चाहता हूँ। ठीक, कंसोल डॉट लॉग क्या होगा, एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि मेरे पास कोई ना कोई डेटा है, एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास एक नेम है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ ये नेम कंसोल में प्रिंट हो, कंसोल की इस लोकेशन पे प्रिंट हो, तो किस तरह से होगा? कंसोल डॉट लॉग, दो तरीके एक कंसोल को यहाँ से रेफरेंस लगा दें, कंसोल का रेफरेंस कैसे लगाएंगे तो बताना पड़ेगा, जावास्क्रिप्ट में जो सेक्शन है कंसोल को देने की वो कंसोल डॉट लॉग है, और भी इसमें मल्टीपल अलग अलग इसके इवेंट हैं, वो हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह जब रिएक्ट की तरफ जाएंगे। तो हम यहाँ से इसको क्या कर सकते हैं, रेफरेंस कर सकते हैं, ये जो नेम है ये इस कंसोल डॉट लॉग में एज अ रेफरेंस पास हो जाए, ताकि यहाँ पर देखें प्रिंट हो जाए नेम, उसका कीवर्ड है तो हम अंडरस्कोर नेम कर देते हैं। ठीक है, अब ठीक, अच्छा ये प्रिंट क्यों नहीं हो रहा, कौन बताएगा? नहीं चलेगा क्योंकि नेम जावास्क्रिप्ट में प्री डिफाइंड है, उसका की सेट है, कीवर्ड है। चलो नेम को चेंज कर देते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं अंडरस्कोर हटा देते हैं, विंडोज की वजह से यार ऑलरेडी एरर है विंडोज डॉट अलर्ट की वजह से, यहां तक कौन ही नहीं रही है, आगे वाला कोड नहीं चलेगा विंडोज के बाद, आप लोग गलती का अलर्ट मसला कर रहे हैं, नहीं पड़ रहा पेशन में डाल ले, यहां पे लाइन 1 पे एक एरर रखा हुआ है। जावास्क्रिप्ट हमारे पास इंटरप्रेटर है, इंटरप्रेटर लैंग्वेज में क्या होता है कि वो जिस लाइन पे उसके पास एरर आता है वो रुक जाती है, आगे नहीं बढ़ती। अगर लाइन नंबर 1 पे एरर आ गया और लाइन नंबर 2 रीड ही नहीं करेगा तो उस पे क्या चलेगा? ठीक है, सर नेम वेरिएबल में एरर नहीं है, तो एरर का आपका क्रिएट हुआ लाइन 1 पे, तो लाइन 1 पे जावास्क्रिप्ट रुक गई है ना, उसने लाइन 2 पढ़ी ना, 3 पढ़ी ना, 4 पढ़ी ना, 5, तो यहाँ का सिनेरियो बनता ही नहीं अभी, अभी यहीं पे एरर है। एरर को रिजॉल्व कर लेते हैं, इसका एस मिटा देते हैं, अब जाते हैं ब्राउजर पे, अब देखें अब टेक्स्ट प्रिंट हो गया, सही है, नेम प्रिंट हो गया, इजी वेरिएबल भी देखें अंडरस्कोर से चल गया। तो कंसोल लॉग समझ में आ गया। अच्छा दूसरा तरीका है, कंसोल का रेफरेंस यहाँ मैं पास नहीं कर रहा, एक सिनेरियो है कंसोल का रेफरेंस मैं अपने कोड में पास नहीं कर रहा, क्या मेरे पास कोई तरीके कार है कि यहाँ पे मैं बगैर पास करे इसका अलर्ट मिटा दे? मैंने यहाँ कंसोल का कोई भी रेफरेंस पास नहीं करा और मैं चाहता हूँ कि इस कंसोल में वो नेम प्रिंट हो जाए, कोई ऐसा तरीका है? नहीं सर, कंसोल डॉट लॉग लिखना पड़ता, कंसोल डॉट लिखे बगैर ये नेम यहाँ सकता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक काम करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके क्लास, सही है, क्लास नहीं हम इसको यहाँ पे यूज़र नेम ही लिख देते हैं फिलहाल। ठीक है, यूज़र नेम मैं अपना दे देता हूँ। ओके सर, अब मैं यहाँ कंसोल का रेफरेंस पास नहीं कर रहा लेकिन मैं चाह रहा हूँ यूज़र नेम की वैल्यू कंसोल में मिल जाए सर, ब्राउजर में डॉक्यूमेंट पैड कंसोल पे जो ना वेरिएबल का नाम लिखे और एंटर करें वो आ जाएगा नाम, किसी ने कहा है कि वेरिएबल का नाम क्या, यूजर नेम, आप यहां पे यूजर नेम लिखें। ठीक है, लिख देते हैं, हो गया प्रिंट। तो कंसोल आपके मल्टीपल पर्पस की नहीं हो सकता, आप कंसोल में जाके भी जावास्क्रिप्ट का रेफरेंस यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप अपनी पूरी जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे मैं वेरिएबल भी बना सकता हूँ, वेरिएबल को कोई भी नाम दे सकते हैं, जस्ट लाइक मैं दे देता हूँ अपना, हमारे पास लोकेशन दे देते हैं या हम दे देते हैं या इसी का एक वेरिएबल बना देते हैं और यहाँ पर हम कोई भी डेटा रख देते हैं। ठीक है, यहाँ मैं इंटर करता हूँ, अब मैं यहाँ पर PII लिखता हूँ, देखें मैं डेटा सेव हो गया। तो कंसोल में आप अपनी पूरी जावास्क्रिप्ट की कोडिंग की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अच्छा सर, कंसोल डॉट लॉग की ज़रूरत क्या पड़ती है हमें, मैं ये पूछना चाह रहा था।
console.log पे हमें कोडिंग करने का क्या काम है, हमें तो एक्चुअली यूआई या यूएक्स पे काम होता है ना, console.log हम क्यों यूज करना चाहते हैं? console.log हमें इसलिए यूज करना है, जब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे जाओगे कोई भी एप्लीकेशन क्रिएट करोगे तो वहाँ पर आपको मल्टीपल सिनेरियोस में काम करना है, आपको डीबगिंग भी करनी है, आपको अपना कोड टेस्ट भी करना है, क्योंकि आप यू आई यूएक्स को कॉन्सेप्ट नहीं बनाओ। देखो जब जावास्क्रिप्ट पे काम हो रहा है ना, यू आई यूएक्स डिफरेंट पार्ट है, यू आई यूएक्स सिर्फ डिज़ाइन का पार्ट है, वो पूरा हो गया। जावास्क्रिप्ट के आप कोई ना कोई सिनेरियो क्रिएट कर रहे हो, कोई ना कोई फंक्शनलिटी क्रिएट कर रहे हो, आगे आगे हम फंक्शंस पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, मल्टीपल चीज़ें, तो कंसोल के बगैर आप कोडिंग नहीं कर सकोगे, क्योंकि आपके पास सिनेरियो ये होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कि जो भी आप कोड कर रहे हो आप उसको देखोगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, उसका रिजल्ट क्या आ रहा है। मेनली डिबगिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे आप? मेनली आप डिबगिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे, अपने एरर्स को पकड़ने के लिए किए है ना, मल्टीपल पर्पस है, जरूरी नहीं है एरर है, मैं अपना एक वेरिएबल में चेक कर सकता हूँ वेरिएबल में डेटा क्या आ रहा है, कोई भी मल्टीपल पर्पस है, मैं अपनी सिचुएशन चेक कर सकता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कोई कोड बनाया, उस कोड का एक आउटपुट आना है, मैं यहाँ पे मैनुअल देख सकता हूँ कंसोल में आउटपुट क्या आ रहा है, ताकि मुझे पता लगे जब ये लाइव में जाएगा तो वहाँ भी यही आउटपुट आ रहा हो। ठीक है, मेन पर्पस यानी डीबगिंग हो गया ना आपकी, एरर्स पर मेन पर्पस डीबगिंग हो गया, और भी बहुत सारे पर्पस हैं, हम आगे जाएंगे तो डाटा वेरिफिकेशन कुछ भी हो सकता है, आप मेनली आप ये दो काम करते हैं। ठीक है, आगे हम इसको यूज करेंगे, कंसोल हमने आज ओपन करा है, हर क्लास में ये समझे ओपन रहेगा सर। कंसोल कंसोल डॉट लॉग को हम एज अ बुकमार्क भी समझ सकते हैं इसको, कि ये एज अ बुकमार्क भी हम इसको यूज कर सकते हैं? नहीं, बुकमार्क यूज नहीं कर सकते। इसको हम एक काम करते हैं, कंसोल के टॉपिक को रोजाना ही डिस्कस हो गई है, या आज ओपन हो गया है, जब तक आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं काम कर रहे हैं कंसोल आपके पास ओपन है, ये हमारी बेस्ट प्रैक्टिस है आज। ठीक है, तो साथ साथ कंसोल भी हम डिस्कस कर देंगे सर। इसे हम कंसीडर कर सकते हैं कि इट्स जस्ट लाइक मॉनिटर, लाइक हमें हमारी वर्किंग को मॉनिटरिंग के लिए इस्तेमाल हो? ये यही तो मैं कह रहा हूँ, आप अपनी मर्जी से कोई भी सिनेरियो बना सकते हैं फॉर मॉनिटरिंग पर्पस, फॉर डिबगिंग पर्पस, फॉर आप अपने मल्टीपल डिपेंड ऑन द सिचुएशन। जी सर। अच्छा, मेरे पास एक केस है, अब मैं केस आपके डिफाइन करता हूं। मैं यहां पे फर्स्ट नेम का एक वेरिएबल बना रहा हूं, ठीक है, और एक वेरिएबल मैं बना रहा हूं लास्ट नेम। लास्ट वेरिएबल को एक काम करता हूँ, मैं वैल्यू अलग से डिफाइन कर देता हूँ। अच्छा, मुझे कोई ये बताए कि लाइन 3 वाला वेरिएबल और लाइन ये 5-6 वाले वेरिएबल में क्या था डिफरेंस? कुछ भी नहीं, आपने वैल्यू भी असाइन कर दिए, दूसरे में आपने वैल्यू बाद में असाइन किए, कोई खास एक ही चीज है, बिल्कुल एक में आप पहले ही कर दिया, इनिशियलाइज हुआ है वेरिएबल फिर वैल्यू असाइन कर दिया, यहां पे इनिशियलाइज अलग करवाया वैल्यू असाइन अलग कराई, हो सकता है इस तरह यूज कर लेते। ठीक है, तो ये मल्टीपल सिनेरियो है, दोनों में बेस्ट प्रैक्टिस में कौन सा यूज होता है सर? बेस्ट प्रैक्टिस के लिए हमारे पास ज्यादातर ये वाला यूज होता है, लेकिन सिचुएशन डिपेंडेंट है, कहीं पे हमारे पास ये भी यूज होता है। ठीक है सर, हम कोई भी कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। कभी ऐसा होगा कि आपको वेरिएबल अलग अलग बनाने, एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, मैं लाइन 1 पे आता हूँ और सारे वेरिएबल्स बना देता हूँ, ठीक है, इसको भी हम मिटा देते हैं। ठीक है, लाइन 1 पे हम सारे वेरिएबल्स बना देते हैं और नीचे हम अपने मल्टीपल कोड में उस वेरिएबल का यूज़ करें, तो यहाँ पर आपके पास ये सिनेरियो बड़ा काम आता है। लेकिन अगर सिनेरियो है कि वेरिएबल आपका सिर्फ किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है, तो आप डायरेक्टली यहाँ डेटा चेक उठा के साइड में रखो, तुम लोग कितनी दफा बोलूँगा हटाओ भाई, बात मत को ना रखो। अच्छा सर, माइक अनलॉक कर दें तब तक, ठीक है। तो ये मल्टीपल सिनेरियो आपके पास बनते हैं। आप मुझे एक बात बताएं, यहाँ पे मैं फर्स्ट नेम प्रिंट करवाऊँ, देखें फर्स्ट नेम प्रिंट हो गया, मैं जाता हूँ कंसोल में और यहाँ पे चेक करता हूँ, तो यहाँ पे देखें आई मीन प्रिंट हो गया। ठीक है, मैं यहाँ पर फर्स्ट नेम की जगह लास्ट नेम प्रिंट करूँ, यहाँ पर हम जाते हैं लास्ट नेम प्रिंट हो गया अलग, ये लाइन नंबर 11,
मैं यहाँ पर इसकी जगह डिटेल्स लिखूँ तो ये देखें डिटेल्स का वेरिएबल प्रिंट हो जाएगा जिसमें है डेटा प्रिंट हो गया। अब एक सिनेरियो है, क्या मैं डिटेल्स को यहाँ एडिट करवा सकता हूँ? एग्जांपल के तौर पे मैं अगेन से डिटेल्स लिखता हूँ, यहाँ पर मैं अलग एडिट डेटा रखवा देता हूँ, तो क्या ये एडिट हो जाएगा या ये नहीं होना चाहिए एडिट? हो जाएगा सर। अच्छा, किस सिनेरियो से एडिट होगा, क्यों एडिट होगा ये? सर इसलिए एडिट होगा क्योंकि जो भी हम लास्ट पे वैल्यू लिखेंगे वो भी प्रिंट होगी क्योंकि फर्स्ट वाली वैल्यू प्रिंट नहीं होगी। बिल्कुल सर, लास्ट वाली होगी एडिट। सर इंटरप्रेटर है, सबसे पहले ये आपके पास कहीं से भी म्यूट नहीं है, ये आप इसको एडिट कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट का ग्लोबल वेरिएबल आप एडिट कर सकते हैं, लेकिन वो पड़ेगा सबसे लास्ट वाला क्योंकि लाइन बाई लाइन चलेगा और लाइन 3 भी पड़ेगा डेटा है। जब वो लाइन 11 पर आएगा तब वो उसको एडिट कर देगा और डिटेल्स में हम जाके चेक करते हैं। तो यहाँ देखें एडिट डेटा चलिए, ये वाला सिनेरियो तो हमारा पास हो गया। अब थर्ड सिनेरियो पे आते हैं हम, कॉन्केटिनेशन। कॉन्केटिनेशन क्या होती है कि मैं चाहता हूँ मैं अपना एक फुल नेम लिखूँ, वेरिएबल बनाते हैं फुल नेम का और यहाँ पर मैं अमीन आलम लिख देता हूँ, ठीक है। अमीन आलम को कंसोल डॉट लॉग में जाते हैं और फुल नेम को यहाँ प्रिंट करते हैं। प्रिंट करने के बाद हम ब्राउज़र पर जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ देखें फुल नेम अमीन आलम प्रिंट हो गया, ठीक है। यहाँ तक का सिनेरियो सबको समझ आ गया, किसी को नहीं आया तो कमेंट में मुझे बताया प्लीज। यस सर। किसी को अगर नहीं आया तो प्लीज लाइन पे आए या कमेंट पे बताएं कि ये वाला सिनेरियो मुझे अभी तक इसमें कोई एक चीज समझ नहीं आई। सर ये कंसोल का समझ नहीं आया, बिल्कुल भी नहीं आया। ठीक है, मैं चले कंसोल दोबारा रिपीट कर देता हूँ। अच्छा, मैं किसी स्टूडेंट्स को फिर मौका देना चाहूंगा, कोई आगे कंसोल को एक्सप्लेन कर सकता है? सर देखिए, कंसोल डॉट लॉग हम यूज़ करते हैं अपने डीबगिंग के लिए या अपने आप को अपने एरर्स को पकड़ने के लिए कि हम कोई एरर ना कर दें। ये कंसोल डॉट लॉग पे अगर हमें जो भी हमने यहाँ प्रिंट किया, जैसे फुल नेम हमने प्रिंट किया, ठीक है, हमने ऊपर फुल नेम की वैल्यू दे दी अमीन आलम, ठीक है, हमने यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग लिखा, फिर अपनी जब हम अपना ब्राउज़र ओपन करेंगे तो ब्राउज़र के ऊपर हमारे पास यहाँ पे आ गई अमीन आलम लिखा हुआ, ठीक है। तो इसलिए हम इस पर्पस के लिए हम कंसोल डॉट लॉग को यूज़ करते हैं। जो भी हम प्रिंट करना चाहेंगे कंसोल डॉट लॉग की कमांड लिखेंगे तो उसके आगे हम उसका जो भी हमने यानी के ऊपर अगर वेरिएबल में दिया हुआ है वो चीज़ हमारे पास यहाँ पे प्रिंट हो गया। अच्छा, मल्टीपल कंसोल डॉट लॉग यूज़ करेंगे तो क्या होगा? सर ये तीनों दफ़ा आ जाएगी, तीनों दफ़ा इसकी वैल्यूज अमीन आलम। देखें ये कंसोल डॉट लॉग तीन बार लिखा हुआ, तीनों बार प्रिंट हो गया, लाइन 11, लाइन 12 और लाइन 13। फोर्थ बार हम क्या करते हैं, कंसोल डॉट लॉग का एक कुछ मिटा देते हैं, जी मिटा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं तो क्या आता है, एरर आ जाता है किस पे, लाइन 14 पे एरर क्या है, कंसोल डॉट एलो इट्स नॉट अ फंक्शन। फिर हम आते हैं लाइन 15 पे, यहाँ पे अगेन से क्या प्रिंट करते हैं, यहाँ पे डिटेल्स प्रिंट करते हैं, ठीक है। अब मुझे बताएं कंसोल में क्या क्या प्रिंट होगा, तो उसे मेरा एक और सवाल है। सब फुल नेम भी हो जाएगा और डिटेल्स भी हो जाएगा, डिटेल्स में एडिट डेटा आ जाएगा, फुल नेम में आपका अमीन आलम। तो सबसे पहले आप क्या कह रहे हैं, यहाँ पे फुल नेम में आ जाएगा मेरे पास अमीन आलम, सही, कंसोल में। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पे कंसोल में लाइन 12 पे अमीन आलम आ जाएगा, लाइन 15 तक प्रिंट होगा, 15 तक प्रिंट होगा, 14 15 प्रिंट नहीं होगा क्योंकि JS में ऐसा होता है कि लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होती है, तो 14 एग्जीक्यूट नहीं होगा, 15 तक प्रिंट होगा सर, क्योंकि वहां पे एरर रिक्वेस्ट करके। अच्छा, 15 पे क्या प्रिंट होना चाहिए, 3 नहीं होगा, एरर आ जाएगा, 15 पे एरर आएगा सर, एरर आ जाएगा, प्रिंट नहीं होगा, एरर है। 16 पे तो कुछ भी नहीं है, 17 पे क्या प्रिंट होगा, प्रिंट नहीं होगा, ये सर एडिट डेटा, सर एडिट डेटा एग्जीक्यूट स्टॉप हो जाएगा, एरर आ जाएगा, उसके जस्ट स्टॉप हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। आप लोगों ने बताया लाइन सर, हां ये स्टॉप हो चुका है, 15 पे एरर आएगा, हम आगे जाते हैं ब्राउजर पे जाते हैं, सबको हम एक कंसोल में
लाइन 11, 12, 13, 15, 15 के बाद आगे नहीं बढ़ा क्योंकि कोड डूब गया. तो बिल्कुल जिन लोगों ने यहाँ कहा था कि यहाँ पर कुछ नहीं आएगा तो ऐसा ही हुआ है, यहाँ पर कुछ भी नहीं आया. अगर लेकिन इस लाइन का मैं डेटा बल्कि इसको मिटा देते हैं या इसका एरर सॉल्व कर देते हैं, एल और जी कर देते हैं, अब क्या प्रिंट होगा? अब फुल नेम भी प्रिंट हो जाएगा, टेल भी प्रिंट हो जाएगी. यहाँ पे क्या होगा? डेटा या डेटा प्रिंट होगा? हमने लाइन 7 पे इसको ओवरराइड कर दिया. सेव करते हैं, ब्राउजर पे जाते हैं, देखें एडिट डेटा प्रिंट. ठीक है, अब दूसरा एक सिनेरियो रखते हैं. मैं चाहता हूँ ये फुल नेम जो है ना, मैंने मैनुअल दिया हुआ है. मैं चाहता हूँ फुल नेम का फर्स्ट नेम ये वाला है, लास्ट नेम ये वाला है, और उसके आगे ना मैं इसको किस तरह से ये वाले चीज़ें कंबाइन कर सकूँ इसके साथ, कॉन्केटिनेशन का एक कॉन्सेप्ट यहाँ यूज कर सकते हैं. हो सकता है ऐसा? यस सर, हो सकता है सर. हो सकता है सर. फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम दोनों आ जाएंगे. प्लस का साइन आएगा सर, प्लस का साइन आएगा. अकाउंट का सेक्शन का मतलब होता है इसको जोड़ना, तो प्लस का साइन आएगा. आप स्ट्रिंग प्रिंट कर रहे हैं, तो स्ट्रिंग हटानी पड़ेगी. स्पीच मार्क्स नहीं आएंगे. कितने लोग कह रहे हैं स्ट्रिंग हटाने के? आपको क्या क्या सर, आप जो सिस्टम यूज कर रहे हैं, जो सबको कुछ भी उसके अंदर आप एंट्रियां करते हैं डाटा को, जो सिस्टम. हेलो, ये कौन है सर? दूसरी क्लास चल रही है लग रहा है. ठीक है, तो आप लोग कह रहे हैं कि मैं कोटेशन हटा दूं, क्योंकि कोटेशन जो है स्ट्रिंग डेटा आ जाएगा. हटा दूं मैं कोटेशन? सही है, मैंने दोनों कोटेशन हटा दिए. ये प्रिंट हो जाएगा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों? नहीं होगा सर, वो एरर आएगा. चलो टेस्ट कर लेते हैं एक बार, इसको हम सेव करते हैं और यहाँ पर आते हैं. देखें कुछ भी नहीं चला यहाँ. आप लोगों ने एक चीज़ नोट करी, कुछ भी नहीं चला, क्योंकि एक ही कंसोल लाइन 11 पे है और बाकी जो सारा कोड है वो चला. और यहाँ पे एरर क्या है? सिंटैक्स एरर, अनएक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर. कौन सी लाइन पाया? लाइन नंबर 9 पे. तो आपने कहा कि कॉन्केटिनेशन के लिए हमें यहाँ प्लस लगाना पड़ेगा जब ये दोनों आपस में कॉन्केट होंगे. ठीक है जी, बिल्कुल ठीक. तो इसको सेव करते हैं, ब्राउजर पे आते हैं, सेव करवाते हैं. देखें अमीन आलम एक साथ प्रिंट हो गया, यानी हम कामयाब हो गए. लेकिन हम मुझे एक और सिनेरियो रखना है, मुझे यहाँ बीच में स्पेस लाना है, अमीन स्पेस आलम. सर हम लोग ना उसमें स्पेस दे देंगे कोटेशन मार्क स्पेस की. सर अमीन के पास स्पेस दे दें, ऊपर जो अमीन लिखा उसके पास स्पेस दे दें. यहाँ स्पेस दे दो जी सर. आलम से पहले भी एक स्पेस लगा दें सर. डबल अलग से स्पेस लगाना है आपको. आप यहाँ पे डबल प्लस लगाए और यहाँ पर स्ट्रिंग बनाए और यहाँ पे स्पेस ऐड कर दें. ठीक है, बिल्कुल सर, यही प्रैक्टिस है सर. इसके लिए हम स्पेस का वर्ड यूज कर सकते हैं, क्योंकि जैसे कि पाइथन में करते हैं. नहीं, इसमें आपके पास कॉन्केटिनेशन में डायरेक्ट हो जाता है, यहाँ पर आप सिंगल स्पेस दे सकते हैं. ठीक है, थैंक यू. ठीक है, अगर अच्छा यहाँ पे मैं तीन स्पेस लगा दूँ तो क्या तीन स्पेस आ जाएंगे? यस सर, यस सर. कितने लोग कहते हैं तीन स्पेस आ जाएंगे? यस सर, आ जाएंगे. आ जाएंगी सर, तीन स्पेस आ जाएंगी सर. स्पेस एक ही आएगा, स्पेस एक ही आएगा, तीन आएंगे. एचटीएमएल में आएगा, एचटीएमएल जो है उसको एक कंसीडर करेगा. अच्छा, ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग की एक अपनी पूरी डेफिनेशन है, स्ट्रिंग का एक पूरी थ्योरी है. तो स्ट्रिंग एक्चुअली आपके पास क्या करेगा कि वो आपने तीन देगा, सारे कंसीडर कर दिए जावास्क्रिप्ट में, वो स्ट्रिंग देगा. आप यहाँ पे ये भी यूज कर एट स्पेस टैब भी बना सकते हैं आप. और यहाँ पर ब्रेक के लिए क्या यूज होता था हमारे पास? बीआर.
सर एन होता था स्लैश एन इसके से कुछ एन होगा Slash N, thank you. ये सर ये न्यू लाइन कितने होता है जी न्यू लाइन तो सर एक क्वेश्चन है जी ये कंसोल कंसोल डॉट लॉग जो हम करते हैं ये बेसिकली जो आपने पीछे जितना कोड किया होता है उसकी टेस्टिंग के लिए होता है कि उसमें कोई एरर आया या नहीं ये आपके पास ऑप्शन होता है कंसोल आपके पास ब्राउजर में ऑटोमेटिकली ओपन है एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर आपने गलती कर दी ना तो आप जब जाएंगे यहाँ ये देखेंगे कंसोल में एरर आ गया मैंने यहाँ पे ओपन नहीं करा वो अलग बात है अगर मैं यहाँ राइट क्लिक करता हूँ पैक में जाता हूँ यहाँ टूल्स में जाता हूँ कंसोल में जाता हूँ यहाँ एरर आया हुआ है लेकिन अगर मुझे यहाँ से कोई रेफरेंस पास करना है कोई रेफरेंस से मुराद कुछ डेटा मुझे खुद से पास करना है तो मैं कंसोल में इस तरह कंसोल डॉट लिख के उसको पास करता हूँ ठीक है पर, क्या होगा मैं एक जी ये हम लोग जावास्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं ना तो एचटीएमएल पे तो प्रिंट नहीं कर रहे हम लोग जावास्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं वेरिएबल तो उसको देखने के लिए कि क्या डेटा सेव हो रहा है क्या प्रिंट हो रहा है उसके लिए भी यूज करते हैं कंसोल डॉट लॉग ताकि हम एचटीएमएल पे तो दिखा नहीं रहे अभी पीछे सिर्फ जावास्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं नहीं बिल्कुल ऐसा ही है कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते जाएंगे क्योंकि क्लास में देखें सब ना अपना एक ग्रुप बना के चले आप लोगों के लिए सिलेक्ट ग्रुप में कितने लोग ऐड हो गए ग्रुप है ही नहीं पीए सीएनसी का तो मैंने अभी पोर्टल पे जाके चेक किया था सर मैंने तो डायरेक्ट मैसेज किया था उधर आपको मुझे कोई ग्रुप तो नहीं मिला अच्छा जो लोग कनेक्ट हैं प्लीज लिंक शेयर कर दें अपने स्लैक के ग्रुप से लिंक शेयर कर दें मैं सर ये बात कह रहा हूं सर मेरी आवाज आ रही है सर बिल्कुल आवाज आ रही है आ रही है सर मैं ये कह रहा हूँ कि सर ये लॉग कंसोल डॉट लॉग तो बहुत सिंपल बात है ये हमारी एक्टिविटी का लॉग फाइल तैयार हो रहा है सर चाहे वो हम उसको मेन ब्राउजर पर लिखें या ना लिखें ये तो एक लॉग फाइल है जो तैयार हो रहा है या इस तरह में समझना ठीक है एक्टिविटी लॉग है ये हम उसको देख सकते हैं आपको जो इजी स्टेप लग रहा है उसको इसको समझ सकते हैं कंसोल डॉट लॉग की नहीं पूरी थ्योरी हम डिस्कस कर सकते हैं इसमें बहुत चीज़ें कंसोल की एक अपनी दुनिया है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम बिल्कुल बेसिक पढ़ते थे तो कंसोल मैं जब सी शार्प यूज करता था तो उसमें बिल्कुल ही एक अलग कॉन्सेप्ट होता था ये सर एक्टिविटी लॉग नहीं है हमारी एक्टिविटी लॉग नहीं है एक्टिविटी लॉग नहीं है लेकिन आप तो अगर थोड़ी देर के लिए समझने की नहीं कर रहे हैं कि अंडरस्टैंड कर सकें तो समझ लें सही एक्टिविटी लॉग नहीं है ये कंसोल आपके पास एक ऑप्शन है कि आप रेफरेंस पास कर सकते हैं अपने कोड से कंसोल को अब यहाँ देखें मैंने कंसोल डॉट लिख के फुल नेम पास करा है ठीक है जब यहाँ पर अगर हम कंसोल डॉट लॉग ना भी लिखें तो हम इंस्पेक्ट के जरिए से अपना कंसोल डॉट लॉग तो अप्रोच कर सकते हैं ना जी बिल्कुल आप अप्रोच कर सकते हैं आप ये नहीं भी लिखेंगे वो अपनी जगह अप्रोच कर सकते हैं जी बिल्कुल इंस्पेक्ट के जरिए से जी ये सिर्फ आपके पास ऑप्शन है कि आप डेटा पास यहाँ से भी करवा सकते हैं ठीक है सर मैं थोड़ा सा क्लास में लेट आया था तो मुझे जरा काइंडली ये बताइए कंसोल डॉट लॉग ये ओपन कहाँ से होगा तो कंसोल डॉट लॉग बाय डिफॉल्ट ओपन होता है इसको मैंने देखिए यहाँ ओपन नहीं करा मैं यहाँ पर आता हूँ तो ये हम ब्राउज़र में आते हैं ब्राउज़र को रिफ्रेश करते हैं यहाँ पर कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं राइट क्लिक करते हैं पैक पर जाते हैं ठीक है यहाँ तक सब क्लियर है यहाँ पर मल्टीपल टूल्स हैं एलिमेंट्स नेटवर्क सर स्क्रीन शेयरिंग थोड़ी सी स्लो हो रही है अगर आप जरा काइंडली दोबारा से कर दें मैं अगेन बता देता हूँ आप अपने ब्राउजर पे जाएंगे किसी भी टैब पे जाएं ब्राउजर पे आप हैं आप वहाँ राइट क्लिक करें स्पेक पे जाएं स्पेक आपके पास ऑप्शन होगा जो आपके पास इसकी विंडो खुल जाएगी उसमें ब्राउजर के टूल्स हैं एलिमेंट्स कंसोल नेटवर्क मल्टीपल टूल्स हैं तो कंसोल का टूल हमारे लिए यूज़ किया जाएगा हम लोग यूज़ करेंगे फॉर जावास्क्रिप्ट डिबगिंग पर्पस क्लास लेने दे देगा डिबग खड़ी ओके ठीक है सर ठीक है थैंक यू यहाँ से हम रेफरेंस पास कर सकते हैं कंसोल डॉट लॉग तो उसमें जो भी वैल्यू असाइन करेंगे वो कंसोल में पास करेंगे जैसे मैंने यहाँ पे फुल नेम पास करा है ठीक है अब मैं जाऊँगा जावास्क्रिप्ट के कंसोल पे रिफ्रेश करूँगा तो लाइन 11 के मुझे रेफरेंस मिला है फुल नेम अमीन जी ठीक हो गया सर थैंक यू चलें फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ तक सब क्लियर है कॉन्केटिनेशन सबको समझ आ गई यस सर जी सर यस सर ठीक है अच्छा स्लैक का ग्रुप अगर प्लीज सब लोग ना ऐड हो जाएं उसमें PIIC स्लैक का मैं शायद मेरे पास लिंक अगर हो PIIC -CNC
ये हमारे पास चैनल है, चैनल पे आप लोग प्लीज ऐड हो जाएं ताकि सब लोग एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पे कम्युनिकेशन कर सकें। ये लिंक मैंने पास कर दिया, इसका ज्वाइन का इनविटेशन जो है वो मैं पूछ लेता हूँ मैनेजमेंट से कि इसका ज्वाइन का इनविटेशन किसने कर दिया। अच्छा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एक सबसे ख़ास बात ये है कि आप इसको कितना भी पढ़ लें, अगर कोई प्रैक्टिस नहीं करेगा ना तो ये किसी काम की नहीं, उसके लिए पढ़ना ही बेकार है। इसमें सिर्फ प्रैक्टिस हैंड्स ऑन आपके काम आएगी। जो भी यहाँ पे क्लास में है जो सिर्फ लेक्चर ले रहा है और प्रैक्टिस नहीं कर रहा तो समझ लें उसके नहीं बेकार है। जब आप बाद में प्रैक्टिस करने बैठेंगे खुद भी आती होगा हमने कौन से कॉन्सेप्ट डिस्कस करेगा, जैसे देखिए कोड कितनी लाइन का है, 11 लाइन का ही कोड है, डिस्कशन करी तो इसका मतलब ये है कि आप मैनुअल से बैठ के बगैर प्रैक्टिस के वो सारी डिस्कशन के साथ कैसे जुड़ पाएंगे। ठीक है, सर अपना ये ब्लैक बोर्ड है ना ये हटा दीजिए, मैं हटा दूँ। चलें आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के हम एक और सिनेरियो क्रिएट करते हैं, वेरिएबल बनाते हैं, नेम पास करते हैं। हमारे पास कितनी डेटा टाइप्स होती हैं, एक है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में हम कोई भी अपना डमी टैक्स या अपना कोई भी टैक्स दे सकते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास एक और डेटा टाइप है, उसका नाम क्या है, नंबर। नंबर हम डायरेक्ट पास करते हैं 0, 1 या 100, 900, जो भी आप पास करना चाहें। तो नंबर पे आप कोई स्ट्रिंग नहीं लगाते क्योंकि ये टैक्स नहीं है, ये था नंबर है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नंबर 2 पास कर देता हूँ और मैं यहाँ पे कंसोल प्रिंट करवाता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और कंसोल डॉट लॉग में नम हम पास कर देते हैं। ठीक है, अब बताएं कंसोल में नम प्रिंट होना चाहिए, टू प्रिंट होगा ना, टू प्रिंट होगा सर, टू प्रिंट होगी। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे टू प्रिंट, हम यहाँ पे अपने मैथमेटिकल ऑपरेशन भी करवा सकते हैं 2+2, तो ये क्या प्रिंट होना चाहिए, 2+2 अगर फोर आएगा तो देखें इसने कैलकुलेट कर लिया। और अगर मैं एक किसी नंबर को स्ट्रिंग कर देता हूँ तो क्या हो, 22 आएगा। पता क्या हुआ, कॉन्केटिनेट का मतलब ये होगा दोनों आपस में इस तरह आ गए, प्लस का मतलब ये होगा ये 4 आ गई, एरर का मतलब है कुछ ना कुछ एरर आने वाला। तो या कुछ लोग हैं जो अभी भी क्लियर नहीं है, एरर 2 आ जाएगा, 2 लिखा हुआ, 2 आएगा सर जी। या हमारे पास 2 आएगा या हमारे पास 4 आएगा या हमारे पास एरर। अच्छा ये बताएं 2+2 जो है मैथमेटिकल ऑपरेशन, 2+2 तो मैथमेटिकल ऑपरेशन है। सही है, और स्ट्रिंग प्रोसेसिंग कौन सा ऑपरेशन है, जावास्क्रिप्ट का, ऐसा ही है ना सर। तो जावास्क्रिप्ट किसको फर्स्ट प्रायोरिटी यूज करेगा, स्ट्रिंग को, स्ट्रिंग को। चलें अब यहां पे आप लोगों को समझ में आ गया हो आंसर क्या आने वाला है, इसको सेव करते हैं, यहां पे सेव करते हैं, देखें 2 आ गया, कॉन्केटिनेट हो गया क्योंकि ये कॉन्केटिनेट हो गया, प्लस नहीं हुआ। प्लस जब होता जब दोनों तरफ नंबर होता, यहाँ भी नंबर होता और यहाँ भी नंबर होता, यहाँ पे स्ट्रिंग आ गया तो अब इसके केस में स्ट्रिंग है, यहाँ पे कुछ भी हो वो कॉन्केटिनेट करें। ठीक है, ओके सर। चलें यहाँ पे मैं सर मेरा एक सवाल है सर, ये मेरी स्क्रीन बहुत ज़्यादा, नेट का प्रॉब्लम भी नहीं है, स्क्रीन बहुत ज़्यादा रुक रही है, और मैंने अब दूसरे विंडो से लॉग इन करा लेकिन वो हो नहीं रही है सर। स्क्रीन की बात कर रहे हैं आप, जूम की,
अभी आपको नजर आ रही है जो जो हम कोडिंग कर रहे हैं नजर आ रही कर रहे हैं, लेकिन सर हैंग हो रही है बहुत ज्यादा। मैं कोचिंग कर रहा हूं, मैं बहुत स्लो कोडिंग कर रहा हूं। नहीं सर हैंग हो रही है स्क्रीन होता है सर, थोड़ा इंटरनेट का भी इशू होता है। इंटरनेट प्रॉब्लम है आपके, इंटरनेट का इशू होगा हमारे टीम में। एक काम करें, मैं आपको बेस्ट प्रैक्टिस बता देता हूं कि मेरे पास भी कुछ इस तरह के मैं डील कर चुका हूं। मैं क्या करता हूं कि जो जो मैं पढ़ा रहा हूं ना वो सब मैं डिस्कस भी कर रहा हूं। आप अपने साथ कोई पेपर रखें, जो जो मैं बोलता जा रहा हूं आप साथ साथ पेपर भी लिखते रहें एटलीस्ट, तो आगे आपकी क्लास मिस ना हो। ठीक है। अच्छा एक और सिनेरियो लाते हैं, 2-2 का हमारे पास क्या होता है? मैथमेटिकल ऑपरेशन है, जीरो आ जाएगा। जीरो आ गया, बिल्कुल सही है। 2-2 मैथमेटिक्स। अगर मैं इस पर सेम में कर दूं, अब बताएं क्या होगा? एरर आ जाएगा, एरर आ जाएगा, जीरो आएगा सर, स्टिल जीरो आएगा, जीरो आएगा। अच्छा कंडीशन का क्या है? पिछली बार प्लस नहीं हुआ था बल्कि कॉन्केटिनेट हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन के लिए प्लस यूज होता है ना। इस दफा भी स्ट्रिंग लेगा, बाद में 2 आ जाएगा। अच्छा जावास्क्रिप्ट में कोई माइनस का कीवर्ड है? मैथमेटिकल का हटा के, मैथमेटिक्स को हटा के। नो सर, एरर आएगा, एरर जावास्क्रिप्ट की जबान में माइनस सिर्फ मैथ के अगर यहाँ प्लस था तो उसके पास 2 ऑप्शन थे, या तो कॉन्केटिनेट या मैथमेटिक्स। तो उसने फर्स्ट प्रायोरिटी दी हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी इतनी स्मार्ट है, जब यहाँ प्लस लिखा हुआ था ना तो उसको डिसीजन लेने की जरूरत नहीं थी। डिसीजन लेने की जरूरत थी, उसको पता है कि प्लस कॉन्केटिनेट हो रहा है, ठीक है। लेकिन जब माइनस ले लिया ना तो यहाँ पर डिसीजन खत्म। माइनस सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स का कीवर्ड है इसकी नज़र में। तो अगर हम दोनों को भी अगर इस तरह रख दें, तो दोनों को स्ट्रिंग में रख दें और यहाँ पे आए, तो हमारे पास ये कंसंट्रेशन खराब हो रही है कि क्यों कर रहे हो। अगर मैं दोनों को भी स्ट्रिंग में रख देता हूँ तो भी ये जीरो आ रहा है। ये देखिए, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इतनी स्मार्ट है कि वो डिसीजन कंडीशंस पे लेती है। अगर प्लस है तो उसके पास फर्स्ट प्रायोरिटी स्ट्रिंग है, अगर प्लस के बजाय माइनस है तो वो क्या करेगी, खुद से इन दोनों को नंबर काउंट करेगी। वो बोलेगी ये भी नंबर है और ये भी नंबर है, चाहे आपने बात करा है। सर अगर स्ट्रिंग में एक को अगर अल्फाबेट ले लें तो फिर क्या आएगा? हाँ चलें, ये अच्छा सवाल है। तो सबसे पहले आपने सवाल पूछा है, हमारे पास नंबर का सिनेरियो तो अच्छा है। यहाँ पर अगर मैं ए लिख दूँ तो आप क्या आएगा? एन ए आएगा, नॉट अ नंबर, नॉट अ नंबर आएगा, नॉट अ नंबर आएगा। नॉट अ नंबर क्या चीज़ है ये सर? ये ए नॉट अ नंबर है ना। अच्छा तो आपने कहा कि अगर यहाँ प्लस था तो ये कॉन्केटिनेंट था, ठीक है। माइनस था तो ये खुद ही कंसिडर कर लिया, ये भी नंबर है और ये भी नंबर है। लेकिन अगर आपने यहाँ पे टेक्स्ट दे दिया तो ये बताएगा कि भाई आप माइनस यूज कर रहे हो लेकिन यहाँ पे नंबर नहीं है, ऐसा ही है? यस सर। रिफ्रेश करते हैं, चेक करते हैं, बिल्कुल आपने जो बताया वही आया, नोट आ नंबर सही है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कुछ स्मार्ट डिसीजन है। अच्छा सर, अमीन सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जो आपने ये 2 स्ट्रिंग में रखे थे दोनों, माइनस साइन बीच में लगा दिया था, तो ये इस वजह से उसने डिसीजन दिया क्योंकि हमने इससे पहले ऐसे ही एक दो किस्म के यानी कमांड दे दी थी इसी तरह से। नो ये अपने बार रिकॉर्ड नहीं रख रहा, जो हमने मिटा दिया वो खत्म, कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो फिर ये कैसे स्मार्टनेस इसमें यानी कि यूज करके, माइनस का तो कोई यूज होता ही नहीं, फिर भी इसने माइनस करके जीरो कर दिया था उसको, इससे पहले हमने यहां 2 लगा था। यहां पहले एक बार बताएं प्लस का मतलब क्या है? जावास्क्रिप्ट की कंडीशन कॉन्केटिनेशन, लेकिन मैथमेटिक्स में प्लस क्या है? वो ऐड है, ठीक है। तो ये अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी अपने
लगता है माइनस मैथमेटिक्स में होना है और उसको भी मैथ काउंट कर रहा है, मैथ का नंबर काउंट कर रहा है, उसको भी मैथ का नंबर काउंट कर रहा है। जब इसको नंबर नहीं मिलेगा तो ये एरर देगा कि नंबर नहीं मिला। नहीं, अगर जैसा नंबर यहाँ मिल जाता है, टू था इससे पहले तो इसने जीरो कर दिया था इसको, देखिए मैं टू करता हूँ, हाँ अब इसने इसको जीरो कर दिया था, जबकि ये दोनों नंबर हैं, स्ट्रिंग नहीं है, फिर भी इसने स्ट्रिंग की नंबर्स की तरह से क्यों ट्रीट किया, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। क्योंकि ये जावा सिर्फ बाय डिफॉल्ट कंडीशंस रीड करता है, इसने बीच वाली कंडीशन रीड करी कि माइनस है तो इसने इसको भी नंबर रीड करा और इसको भी नंबर रीड करा। अगर ऐसी कंडीशन हो कि दोनों साइड पे अल्फाबेट हो फिर ये क्या देगा आंसर? ऑडा नंबर ही देगा, एन एन दो, ठीक है ए दे देगा, मैं सोचता हूं नोट नंबर ही आएगा, क्योंकि अभी तो डिसीजन मेकिंग हो रही है ना, वो साइन पे हो रही है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग बताता हूं मैं, बताता हूं डेटा टाइप प्रिंट करा सकते हैं इधर, यहाँ पर नंबर नंबर क्या है, नंबर बताइए। मैं अगेन रिपीट करता हूँ, डिसीजन मेकिंग आप खुद से करें, किस पॉइंट पे डिसीजन हो रहा है, स्ट्रिंग पे हो रहा है और स्ट्रिंग पे हो रहा है ना, इसको अगर कोई डिसाइड करने की जरूरत है नहीं है ना, क्योंकि पहले से डिसाइडेड है डिसीजन मेकिंग इस पे हो रही है, तो उसको नहीं लेना के अंदर। सर अगर ये सारे हम डायरेक्टली कंसोल के ऊपर इसको करें, हाँ तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस है, हम इसको कंसोल पे लेके चलते हैं, सही है, बाकी सब लोग स्टूडेंट्स पे कंफर्टेबल हैं? ये चैट बॉक्स, यस सर, ठीक है तो हम कंसोल पे इसको लेके चलते हैं, यहाँ से हम चीज़ें हटा देते हैं, तो ब्लैंक कर देते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। तो हमारे केस में वार नम, नम में हमने लगा दिया टू, और इस टू को जब मैंने यहाँ प्रिंट करा तो नम में आ गया टू, ठीक है। अब जाले के इसमें आ गया वार और नम टू, नम का दूसरा वेरिएबल बनाता हूँ मैं, और यहाँ पर मैं एडस्टिंग टू रखता हूँ, प्लस लगाता हूँ और यहाँ पर टू करता हूँ, सही है। तो मेरे पास देखें नम में एक्चुअली डेटा क्या है, नम में मेरे पास डबल टू है, लेकिन अगर मैं नम टू को एडिट कर देता हूँ, ओवरराइड का ऑप्शन है हमारे पास, मैं यहाँ पर इसी तरह से टू रखता हूँ या माइनस रखता हूँ या टू रखता हूँ, अब हमारे पास नम में क्या है, नम टू में क्या है, जीरो। तो ये डिसीजन मेकिंग अपने हिसाब से हो रही है इसकी, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, सारा डाटा हमारे पास है वो हो गया, रिफ्रेश हो गया। अब एक काम करते हैं, हम दूसरा सिनेरियो लेते हैं, हम एक नम का वेरिएबल लेते हैं, ठीक है, इसमें रखता हूँ मैं वैल्यू वन, वन के आगे मैं लगा देता हूँ वन प्लस प्लस। तो अब मुझे बताएं नम में क्या प्रिंट होगा, टू सर, कोई है जो कहेगा कि नम में नहीं वन प्रिंट होना चाहिए, प्लस क्या है, क्योंकि सी में भी ऐसे ही होता है, वन प्लस प्लस टू हो जाता है, वन होगा क्योंकि प्लस प्लस बाद में हो रहा है, पहले साइन वन हो रही है, पोस्ट इंक्रीमेंट है तो वन ही प्रिंट होगा, इसमें इंक्रीमेंट हो रहा है, जैसे इंक्रीमेंट होगा तो उसमें पहले अगर प्लस प्लस लगाएंगे तो प्लस वन प्लस वन टू हो जाएगा। अच्छा तो वन चलने चेक कर लेते हैं, कांस्टेंट में इंक्रीमेंट नहीं होता, क्या देखें आने प्रिंट क्या होने वाला है सर, इसमें पहले वैल्यू असाइन होगी फिर नम इंक्रीमेंट होगा इसके अंदर, नम स्मॉल लिखा है, एरर है, कांस्टेंट में इंक्रीमेंट नहीं होता, कांस्टेंट में इंक्रीमेंट नहीं होता, वेरिएबल बनाया है क्या है क्या हुआ
सर फर्स्ट टाइम पे नहीं होता ना, जब हम लोग आगे प्लस प्लस लगाते हैं तो हमने काउंटर बटन बनाया था सर, 2 से पहले प्लस, 4 से पहले प्लस, दोबारा प्रिंट कराएंगे तो 3 आएगा। अब आएगा सेकंड टाइम, ऐसा क्या हुआ, जो पहले जाता है फिर लोड होता है, तेरा पोस्ट फिक्स प्रीफिक्स रहेगा। यस पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स प्लस प्लस नम कर देते तो प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट और क्री इंक्रीमेंट। एक्चुअली हमारे पास कांसेप्ट क्या है, सबसे पहले आप लोगों ने एक चीज समझ ली कि कोस्टेंट को एडिट नहीं कर सकते, अगर आपको यहाँ पे 3 लगाना है तो आप डायरेक्ट 3 लगा दें, आप 2 प्लस प्लस नहीं लिखेंगे। लेकिन एक केस है कि आपके पास वेरिएबल बना हुआ है, आप उसमें इंक्रीमेंट कर दें, तो इंक्रीमेंट हमारे पास दो तरह के, एक प्री इंक्रीमेंट है हमारे पास, सही है, प्री इंक्रीमेंट है, और दूसरा क्या है पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट का सिनेरियो ये होता है कि वो पहले यूज़ हो जाए, बाद में इंक्रीमेंट का ऑपरेशन चले। प्री इंक्रीमेंट में ये होता है कि पहले इंक्रीमेंट करो और बाद में उसको यूज़ करो, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट होते हैं। तो हमने इन दोनों में से अभी कौन सा यूज़ करा है, जो हमारे पास आया कि हमने जब प्लस प्लस करा तो इंक्रीमेंट नहीं हुआ, पोस्ट इंक्रीमेंट हो गया, हमने पोस्ट यूज़ करा। पोस्ट वाले सिनेरियो में क्या हुआ कि उसने पहले क्या करा, नम को रीड करा और प्रिंट कर दिया, और प्लस प्लस का ऑपरेशन कहाँ पर फॉरवर्ड कर दिया, ऊपर वेरिएबल में, कि कोई प्लस प्लस का ऑपरेशन आए आप इसको ऐड कर लो, तो वेरिएबल में वैल्यू 3 हो गई और नम प्रिंट हो गया। जब नेक्स्ट टाइम हम नम के पास आया तो नम 2 नहीं था, नम क्या था 3 हो गया था, तो ये हमारा पोस्ट होगा। प्री इंक्रीमेंट करने का तरीकेकार क्या होगा, प्लस प्लस पहले आ जाएंगे, प्लस प्लस पहले आ जाएगा, फिर हम नम लिखेंगे, अब मैं इंटर करूँगा क्या प्रिंट होगा, अब 3 नहीं होगा, नॉट सर, और अगर आप मैं इंटर करूंगा 3 4 होगा, अब 3 3 अभी क्या होगा, अभी 2 3 हो रहा है, इसमें क्या होगा 4 4 4 होगा। अगर इसको मैं बाद में लगा दूं 3 तो ये 3 क्यों होगा, क्या ये इंक्रीमेंट नहीं हो रहा या ये जाया जा रहा है नेक्स्ट लाइन में, तो पहले प्रिंट हो रहा है फिर वो इंक्रीमेंट कर रहा है। अच्छा मतलब अगर मैं इसको एंटर करता हूँ तो वो प्रिंट 3 कर रहा है, लेकिन अगर मैं अगेन चेक कर रहा हूँ तो वो 4 हुआ है, लेकिन उसने मुझे प्रिंट 3 करके दिया, सही है, और अगेन चेक करते हैं yes. तो ये 4 हुआ है। अगर मैं इसको शुरू में यूज़ कर लेता हूँ तो ये डायरेक्ट इंक्रीमेंट करके 5 प्रिंट कर, अब मैं अगेन चेक करता हूँ वो 5 का 5 ही, अगेन चेक करता हूँ 5 का 5। सर पोस्ट इंक्रीमेंट से उसकी जो ओरिजिनल वैल्यू है वो तो चेंज हो जाती है ना, 2 से 3 हो जाएगी, लेकिन प्रिंट नहीं होगा। ओके प्रिंट बाद में होगा, प्रिंट बाद में, ठीक, नेक्स्ट लाइन पे होता है किसी भी। अच्छा एक पोस्ट इंक्रीमेंट में फिर एक सिनेरियो में बनाते हैं, मैं कुछ नंबर्स रखता हूँ, नंबर सही है 1 को 2 वैल्यू रखते हैं, बार नम 2 वैल्यू 3 रखते हैं, यहाँ पे मैं आता हूँ बार नम 3, मैं क्या करता हूँ कि नम 1 प्लस प्लस अगेन प्लस नम माइनस माइनस प्लस अगेन से मेरे पास आता है प्लस प्लस और नम 1, यहाँ पर हम नम 2 यूज़ कर लेते हैं, ठीक है प्लस और माइनस माइनस नम 2, अब क्या आएगा आंसर नम 3 में, 9 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा, 10 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा, और कोई है 9 और 10 के अलावा, 5 वेट करें सोचते थे हमें नम 3 में क्या प्रिंट होगा, 2 7 7 10 5 5 plus 5 9 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
आएगा। अच्छा इसको थोड़ा अगेन डिस्कस करते हैं। नम वन का मतलब क्या है? सिक्स आएगा टू, लेकिन टू क्या हो गया? टू यहाँ पर लिखा हुआ, लेकिन ऊपर क्या हो गया? ऊपर थ्री हो गया, देख रहे हैं? थ्री हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? टू हो गया, लेकिन
पर जो ओरिजिनल नंबर में जाके क्या हो चुका है, वैल्यू थ्री हो चुका है, सिर्फ टू यहाँ के नहीं है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब ये नम टू हमारे पास क्या है, थ्री है, लेकिन एक माइनस हो जाएगा, टू कर देगा। तो अभी हमारे सिनेरियो में क्या है, नम वन की वैल्यू क्या है, थ्री है, नम टू की वैल्यू टू, उल्टा हो गया। ठीक है, आगे आते हैं। अब हमारे पास नम वन क्या है, थ्री। हमारे पास इस वक्त थ्री रखा हुआ है, लेकिन हमें क्या मिलेगा, ऊपर भी जाके फोर हो गया और हमें भी फोर मिल गया। ठीक है, समझ गए। प्लस करते हैं, नम टू में आते हैं, नम टू में हमें क्या मिला, वन मिलेगा। यस जी, वन मिलेगा। कितने हो गए, तो ये प्री और पोस्ट का छोटा सा सिनेरियो है, किसी को अभी भी समझ नहीं आया तो बताएं मुझे। सर प्री और पोस्ट एक दफा रिपीट करें, प्री में पहले होता है। देखें, प्री और पोस्ट का सिनेरियो सिर्फ इतना सा है।